ओके, गुड इवनिंग। आज हमारा टॉपिक है ट्रेड फाइंडर पोजिशनल। ओके, सो ट्रेड फाइंडर पोजिशनल, पोजिशनल का मतलब क्या है? एक दिन से ज्यादा आपका अगर कोई पोजिशन कैरी करना है, ट्रेड लेना है, ओके, एक दिन से ज्यादा के लिए, तो उसे हम बोलेंगे पोजिशनल। पोजिशनल में आपका इक्विटी कैश में अगर आप शेयर्स लेते हो, ओके, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो भी पोजिशनल काम होगा। सो डिलीवरी भी बोलते हैं। और जैसे आप फ्यूचर में पोजीशन कैरी करते हो, क्योंकि इंट्राडे में इक्विटी कैश में तो इंट्राडे ही पॉसिबल है, मतलब एक दिन के लिए ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और आपको अगर एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए ट्रेडिंग करना है, ट्रेड रखना है, तो आपको फ्यूचर में जाके फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में भी आपको अगर पोजीशन एक दिन से ज़्यादा कैरी करना है, तो उसे ट्रेड पोजिशनल ट्रेडिंग ही हम बोलेंगे। तो ये जो पोजिशनल ट्रेड फाइंडर है, तो इंट्राडे के जैसे ही इसका लगभग वर्किंग है, बट एंड डेट लेने का जो प्रोसीजर है, और उसके बाद में डिसाइसिव कैंडल कब देखना है, उसका जो थोड़ा प्रोसेस है, सिर्फ ये दो चीजें ही इसमें डिफरेंस है, बाकी सब प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो जैसे इंट्राडे में सबसे पहले डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे में जैसे मुझे कल मार्केट में क्या होने वाला, ये देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एंड डेट में सीधा जो भी लास्ट डे है वो मैं दे देता हूँ, वर्किंग डे दो, या फिर जो भी लास्ट का डेट है 19 के लिए, जैसे 13 तारीख के लिए करना है तो 12 तारीख के दो, क्योंकि हमें 12 तारीख से क्लोजिंग चाहिए, 13 तारीख तो दे नहीं सकते, 13 तारीख का क्लोजिंग आया नहीं है। और लाइव मार्केट में भी आप ट्रेड निकालने बैठते हो 13 तारीख को, तो भी डेट तो आपको लास्ट वर्किंग डे ही देना पड़ेगा, 12 तारीख ही देना। ठीक है, ये सिंपल हो गया इंट्राडे में। पोजिशनल में वैसा करने की जरूरत नहीं है। पोजिशनल में आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली जहां से मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है वहीं से आपको डेट देना है, और प्रॉपरली वहां से एनालिसिस आपको स्टार्ट करना। ओके, सो एंड डेट देने का जो चीज है पोजिशनल में, वो खाली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो एंड डेट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे में हम क्या करते हैं, डेट दे देते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं गेट डाटा करके, और फिर जाके करंट फेज के लिए हम चार्ट देखते हैं। लेकिन ट्रेड फाइंडर पोजिशनल में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी स्क्रिप्ट में आपको ट्रेड निकालना है वो स्क्रिप्ट का आपको चार्ट देखना पड़ेगा, करेक्ट। और पोजिशनल के लिए आपको टाइम फ्रेम क्या रहेगा, इंट्राडे में हम 15 मिनट्स का यूज करते हैं, पोजिशनल में हमें 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना है। ओके, तो एक कैंडल जो बनेगा वो एक दिन का एक कैंडल रहेगा, डेली टाइम फ्रेम रहेगा, चार्ट लगाएंगे हेकी नाशी का, तो हेकी नाशी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट आपको यूज करना है फॉर ट्रेड फाइंडर पोजिशनल, पोजिशनल ट्रेड निकालने के लिए। तो जैसे अभी बहुत से देखो, ये भी टीसीएस अभी इतना नीचे गिरा था, तो लोगों को लग रहा था गिर रहा है, तो 28 जुलाई के बाद में सडनली ऊपर गया है, तो आपको पहले से समझ में आना जरूरी है कि भाई इसे बाय करना है। तो जैसे 2 अगस्त को या 3 अगस्त को आपको बाय ट्रेड मिलना चाहिए, बराबर। तो ये चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हमें करना है। और कभी कभी ये मार्केट यहाँ पे लो बनाता है, तो ये मार्केट इतना यहाँ से नीचे क्यों आया, तो नीचे जाने के लिए नीचे आया कि नया बाय लेने के लिए आया, ये भी आपको ये मूवमेंट आने से पहले डिकोड करते आना है। ओके, सो जहाँ जब मार्केट नीचे आएगा तो ऐसा भी होगा कि ये लो पे ही आपको बाय करने मिलेगा, और यहाँ से ये पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा। सो एग्जैक्टली ये हर एक रैली अगर आपको कवर करना है, इतना भी जैसे यहाँ से नीचे आया और आपने यहीं पे बाय करके ये पूरा रैली कवर किया, फिर यहाँ पे आप कहीं पे तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए, बराबर, ये रेंज में कहीं पे तो प्रॉफिट बुक कर लिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, अगेन फिर यहाँ से नीचे आया तो वो जो आपका प्रॉफिट कम होने वाला था वो अभी कम नहीं होगा, और अगेन यहाँ पे उसे बाय कर लेंगे। तो उसी स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, हर एक स्विंग, ये जो स्विंग आ रहा है, जैसे ये नीचे आके स्विंग लो बना के वापस ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, तो ये हर एक ऊपर जाने वाले मूवमेंट में आप उसको एनकैश कर सकते, ये तरीके से भी आप काम करते हो। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर करते हो, किसी एक एक दो चार स्क्रिप्ट भी आप पकड़ लेते हो, और उसमें ही प्रॉपरली हर एक स्विंग पे जितना भी डीप आएगा उस पे बाइंग करेंगे या टॉप बनेगा वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसा भी आप करते हो तो भी आराम से आपका 5% रिटर्न पर मंथ तो कहीं नहीं गया, आराम से बन जाए, मैं कम ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इतना भी करेंगे, किसी के पास अच्छा कैपिटल है तो भी मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में तो आपको कुछ रिस्क भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपको शेयर ही लेना है। ठीक है, और इसमें एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, माइंड स्टेट भी अच्छा रहेगा आपका ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पोजिशनल में हम डेली बेसिस के कैंडल पे काम करते हैं, तो जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होता हमें
वो यूज ही नहीं करना है कैंडल कैलकुलेशन के लिए। तो अभी जैसे मुझे दिख रहा है ये कैंडल डिसिसिव बन रहा है, मुझे यूज करना है, लेकिन अभी थोड़ी यूज करना है, जब आराम से उसको क्लोज होने दो, क्लोज होने के बाद में चेक करेंगे कि डिसिसिव बना है, फिर उसको यूज करेंगे। अभी ये कैंडल क्लोज कभी होगा? वन डे का कैंडल है, मतलब वो पूरा दिन खत्म होने के बाद ही क्लोज होगा ना। सो जो भी पोजिशनल काम करेंगे तो उन्हें लाइव मार्केट नहीं भी देखा तो भी चलता है। आपको रोज रात को आना है, आज कैंडल डिसेसिव बना है तो कुछ चेंजेस करना है, जाके देखना है, नहीं बना है तो वही आपका लेवल रहेगा, वही लेके रखा है आपने टारगेट स्टॉप लॉस, वही रहेगा आपका, वो रात को भी आप लगा सकते हो। तो पोजिशनल में आप एम ऑर्डर लगा सकते हो इंट्राडे में, जबकि आप रोज नया ट्रेड ले रहे हो, तो एमओ नहीं लगाना है आपको, 9:30 के बाद ही ट्रेड लगाना है, लेकिन पोजिशनल में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो लाइव मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं है, अपने टाइम में आओ, रोज 5 मिनट देख लो क्या हुआ है आज, अगर डिसेसिव कैंडल आया है तो ठीक, नहीं आया है तो कुछ नहीं करना है, जो जो स्क्रिप्ट में आया उसमें खाली जाके चेक करेंगे कि करंट फेज कौन सा है और उसका स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर देंगे, टारगेट जो भी हो लगा देंगे। और पोजिशनल में टारगेट स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया ना तो भी चलता है, कई मार्केट इतना इक्विटी कैश में काम कर रहे हो तो मार्केट एकदम से कहीं भाग नहीं जाता, आप आराम से दूसरे दिन भी माल निकाल सकते हो। आपको लग दिख रहा है कि आज स्टॉप लॉस गया है, ठीक है 800 के, कल मार्केट खुलेगा तब प्रॉफिट बुक कर लो, ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर गया है तो। ये तरीके से आप काम कर सकते हो, टारगेट भी आपका गया है आज दिख रहा है तो ठीक है, आज नहीं तो फिर कल ओपन हो जाएगा मार्केट तब प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो आराम से काम कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये अभी आपने से इंट्राडे किया है, पोजिशनल में मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन सर मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे 5% कमाना है और मुझे हर महीना समझो 20-25,000 मुझे कमाना है तो कैसे होगा सर? फिर तो 5 लाख रुपया रखना पड़ेगा और उस पर फिर मुझे 25,000 आएगा, तो 5 लाख तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो 50,000 ही। तो यही काम जो इक्विटी कैश में कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम काम आप निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी कर सकते हो, कमोडिटी में भी कर सकते हो, करेंसी में भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में करने जाएंगे सर तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कम से कम इनिशियल मार्जिन ही जो है वो हमें कैरी करने के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपया लगता है, फिर क्या करेंगे? इतना भी नहीं है, मेरे पास तो 50,000 है या 20,000 है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है करेंसी, तो करेंसी में आप काम कर सकते हो, करेंसी में भी पोजिशनल आप कर सकते हो। तो वहाँ पे तो 1 लॉट कैरी करने के लिए 2.5 से 3 हज़ार रुपया ही लगता है बराबर, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, और लाइव मार्केट देखने की भी जरूरत आपको आपको उसमें भी नहीं है, तो ट्रेडिंग भी तो आप कर सकते हो आराम से। मतलब कोई भी कितना भी बिजी बंदा रहेगा पोजिशनल ट्रेडिंग तो वो कर ही सकता है, क्योंकि उसके पास उतना तो टाइम है ही ना, लाइव मार्केट भी नहीं देख रहा है तो, लेकिन रात को या सुबह कभी भी वो 15 मिनट निकाल के तो वो चेक कर ही सकता है कि आज क्या हुआ, या 1-2 दिन कभी चेक भी नहीं किया तो एकदम से मार्केट कहीं भाग नहीं जाता है, अपना जो स्टॉप लॉस होता है वो डिसेंट लेवल पे होता है, ओके। सो उसमें वो टेंशन नहीं रहता, इक्विटी कैश में तो नहीं रहता भाई, बाकी फ्यूचर में कर रहे हो तो आपको रोज देखना ही है, ठीक है, कि क्या हो रहा है मार्केट में वगैरह, वो सब चीजें रोज इवनिंग में आके खाली चेक करना है, डिसेसिव कैंडल बना है कि नहीं बना है, और वो तरीके से लेवल अपडेट करना है। तो ये सिंपल फंडा हो जाता है काम करने का, लेकिन अभी ये आपको ईजी लग रहा है, इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा आपको, ओके, ये करेंसी में वगैरह करोगे ठीक है, अच्छा रिटर्न आएगा, जो भी कैपिटल है उस पर आपको 20-40% रिटर्न भी आपका निकल जाएगा, 30% तो पकड़ के चलो आप, ठीक है। तो ये तरीके से काम करोगे, बट आप बोलोगे कि नहीं सर ये बहुत इजी हो गया, तो मैं इंट्राडे करता ही नहीं, मैं अभी से ही पोजिशनल स्टार्ट कर देता हूँ काम करना, तो नहीं चलेगा, क्योंकि पोजिशनल में क्या है, आप आज कैलकुलेशन करोगे फिर वो ट्रेड अगले 7-8 दिन तक चलेगा, और फिर जाके कहीं कभी स्टॉप लॉस सेल होगा, फिर जाके कहीं डाउन फेस या फिर सेल में आ जाएगा, फिर रिकैलकुलेशन करोगे, तो ये प्रोसेस जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग में ही आपका पूरा महीना चला जाएगा, क्योंकि आपको वो इंसिडेंस जब भी आएंगे तभी आप सीखोगे। इंट्राडे में क्या होता है कि इंट्राडे में रोज वही चीजें करनी पड़ती है, रोज हम मार्केट को देखते हैं, रोज हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, रोज नया ट्रेड निकालते हैं, तो क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस हो जाता है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में आपको ईजी जाता है, और मार्केट का अंडरस्टैंडिंग भी आपको आते जाता है, मार्केट का मूवमेंट भी समझते आते हैं, तो इसीलिए इंट्राडे करना है सीखने के लिए। और जैसे कंटिन्यू कर पा रहा है कोई बंदा, रोज का एक ट्रेड ले रहा है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसको नहीं हो रहा है पॉसिबली, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आप पोजिशनल में जाओ, लेकिन इंट्राडे मत छोड़ो, इंट्राडे आपको भले आप 5 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी से करो, लेकिन करते रहो, क्योंकि आपको सीखना है तो रोज आपको मार्केट पे बैठना ही पड़ेगा। से ड्राइविंग करने जाते हैं तो फिर आज मैं फर्स्ट टाइम ड्राइविंग स्कूल पे गया, स्टेयरिंग पे बैठा, आज कुछ उसने सिखाया वो बंदे ने आधा घंटा मुझे, और फिर मैं 8 दिन के बाद में सीधा जाऊंगा, तो फिर मुझे वापस नया लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है वापस स्टेयरिंग पे बैठने के लिए,
तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। तो रोज जाके हमें क्या करना है, रोज कंटिन्यूअसली जाके, जैसे आप रोज जाओगे और 10-15 दिन आप रोज जाके प्रैक्टिस करोगे, तब तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अपने कार पे बैठ के उसे स्टार्ट कर पाओगे, बराबर। तो ये सब चीजें आती है, तो यही तरीका होता है स्किल डेवलपमेंट का। तो इसमें भी आपको यही करना, तो इंट्राडे तो कर, इसीलिए तो इंट्राडे सिखा रहे। तो पहले इंट्राडे अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करो, इंट्राडे अंडरस्टैंड कर लो। मैं पोजिशनल अभी सीखा भी रहा हूँ, तो भी तुरंत हड़बड़ी में पोजिशनल के लिए मत जाओ। जो इंट्राडे सीखा है उसका पहले 1-2 दिन उस पर काम करो, भले आप थोड़े क्वांटिटी से काम करो। और जब आपको यह टूल यूज करना है, जैसे अभी जसवंत सर पूछ रहे थे कि सर वो टूल का आप जरा वापिस बताओ, तो 3 दिन से हम वही चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो नया लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे थे, अभी वो यूज करने लगे तो उनको सब वो नया लगने लगा। तो यही चीज होती है, तो आपके नजर के नीचे से जाएगा, आप उसको यूज करोगे, आपको हैबिट हो जाएगा। रोज मार्केट देखना, डिसिसिव कैंडल देखना है, किधर से किधर जाना है, चार्ट से टूल पे कैसे आना है, तो टूल में इंट्राडे पोजिशनल कैसे स्विच करना है, डेट अपडेट कैसे करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको जब ये पूरा कंसेप्ट बैठते जाएगा, आप करते जाओगे प्रैक्टिस से, तो फिर आपका माइंड रेडी होगा कुछ नया कंसेप्ट उसमें लोड करने के लिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़े। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, क्योंकि सिर्फ ट्रेड निकालना ही नहीं है, फिर ब्रोकर के टर्मिनल पे ऑर्डर लगाना, प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, पोजीशन देखना, वो भी एक चैलेंजिंग काम होता है बहुत से लोगों के लिए जो नए हैं, बराबर। तो स्टेप बाय स्टेप उसमें से सीखो, मैं बोलता हूँ इसमें आपका पूरा महीना भी चला गया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप आराम से पोजिशनल पे शिफ्ट हो सकते हो, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, मेरा लेवल भी अभी मैच हो रहा है। तो आपको किसी को 5 दिन लगेगा, किसी को 10 दिन लगेगा, किसी को 15 लगेगा, वो अपना टाइम आने दो, जो भी टाइम है दो सीखने के लिए, फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्वांटिटी भी आपका बढ़ेगा, और इधर आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दो। क्योंकि पोजिशनल बोलने के लिए तो ईजी है, लेकिन जैसे फ्यूचर में आप ओवरनाइट पोजिशन कैरी करके बैठते हो, तो आपको यही मतलब अनसर्टेनिटी सताती रहती कि कल क्या होगा। मैंने तो बाय में कैरी किया है, लेकिन कल एकदम से मार्केट नीचे खुल गया तो फिर तो मुझे इतना लॉस होगा, ये सब चीजें है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको, वो डर कभी निकलेगा, मार्केट पे काम करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी वो डर निकलेगा। कितना भी मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाए, आपका जो भी स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस तो आपको लेने के लिए देगा ही मार्केट, तो वो टेंशन नहीं लेना। जितना मुझे मैंने सोचा है उससे ज्यादा लॉस कभी नहीं होगा, और जितना मार्जिन आप देते हो उससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, ओके। तो उसके लिए डरना नहीं है, ठीक है। तो अभी पोजिशनल में जैसे काम करना है, तो एंड डेट कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एंड डेट के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें देखते हैं कि करंटली मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो आपको पहले डेली का चार्ट ओपन करना है, डेली चार्ट ओपन करने के बाद में पीछे से देखते आएंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये टीसीएस जो है ऊपर जा रहा है, बराबर। तो ऊपर जा रहा है मतलब ट्रेंड होना चाहिए, स्विंग कब बनता है, डाउन ट्रेंड आएगा फिर अप ट्रेंड आएगा तो ही स्विंग में रहेगा। अगर ऐसा एक दो ही कैंडल ग्रीन बनता है तो उसे हम ट्रेंड नहीं बोले, बराबर। तो जैसे ट्रेंड के लिए अभी क्या करेंगे करेंगे कि सर ये ट्रेंड है, अभी ये कैंडल तो इतना बना है, लेकिन इसको ट्रेंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो मैं एक सिंपल फंडा आपको देता हूँ कि एटलीस्ट 3 ग्रीन डिसेसिव कैंडल बनना चाहिए और 3 रेड डिसेसिव कैंडल बनना चाहिए। तो 3 रेड बना है और 3 ग्रीन बना है तो वो स्विंग यूज कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 3 डिसेसिव तो बनना ही चाहिए, 3 से ज्यादा बना तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये स्विंग लो यूज कर सकते हैं क्या सर कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि लेटेस्ट तो यही स्विंग मिल रहा है ना, फिर इसके बाद में प्रीवियस स्विंग हाई मिल रहा है, फिर और इधर से नीचे आएगा तो स्विंग लो, तो लेटेस्ट स्विंग कौन सा मिल रहा है पीछे से देखते आएंगे। ओके अभी मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मतलब स्विंग कौन सा आना चाहिए, लो आना चाहिए, तो स्विंग लो ये देख लिया इधर। तो ये जो लोएस्ट कैंडल सबसे है, लोएस्ट वैल्यू जो मार्केट ने दिखा है रिसेंटली, वही आपका स्विंग लो हो गया। अभी ये स्विंग लो से कैलकुलेशन कैसे करना है, और ये सर स्विंग है कि नहीं कैसे डिसाइड करेंगे, तो चेक करो ना, तीन तीन डिसेसिव रेड कैंडल बनी है क्या, तो ये एक डिसेसिव बनी है, किसी कैंडल का इनसाइडर भी नहीं है, प्लेन भी है। इसके बाद में ये दूसरा बना, ये तीसरा डिसेसिव बना, ये डोजी है, ओके, ये चौथा डिसेसिव बना, ये पांचवा बना, ये बना है, ये इनसाइडर है, ये जो कैंडल बना है इसका ये इनसाइडर है, ठीक है। तो 5 डिसेसिव कैंडल बाद में डोजी बन रहा है, तो 5 डिसेसिव कैंडल तो आ गए ना रेड, तो हमें तो 3 चाहिए, इट्स ओके। अभी ग्रीन में भी आना चाहिए, लेकिन तो ग्रीन में देखो एक बना है, दूसरा बना है, और ये तीसरा भी डिसेसिव बना है, ठीक है, तो 3 बन गया। उसके बाद में चौथा पांचवा छठवा, तो 6 डिसेसिव कैंडल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसे हम ट्रेंड बोल सकते हैं। तो ये स्विंग लो आप यूज कर सकते हो, खाली इतना काम जो है एंड डेट लेने से पहले करना है आपको, कि कौन सा स्क्रिप्ट अभी फिलहाल कौन से ट्रेंड में है वो आपको देखना है, और फिर आपको एनालिसिस स्टार्ट करना है। तो जैसे अभी स्विंग लो कब मिला है हमें, 28 जुलाई 2021 को स्विंग लो मिल रहा है,
ओके तो ये स्विंग लो, इसका ये कैंडल का भी जो भी लो है कितना है, 3132.40। ये जो लो है, ये लो हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, ये लो हमारे स्विंग लो के वैल्यू के जगह पे आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए डेट क्या लेना पड़ेगा फिर, तो डेट कौन सा लेना है, जिस दिन मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है स्विंग लो के बाद, मतलब वो लो लगाने के बाद जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो जिस दिन मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है, मतलब क्या क्लोजिंग रिवर्स दिया है, क्लोजिंग रिवर्स देना मतलब क्या, जिस दिन मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया है वो कैंडल का क्लोजिंग चेक करो। ये कैंडल का क्लोजिंग क्या है, 3180। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, तो ये स्विंग वाले दिन से अगर नेक्स्ट डे क्लोजिंग ज्यादा देता है, मतलब क्या 3180 से ऊपर अगर क्लोजिंग आता है नेक्स्ट डे, तो मतलब मार्केट बाय में आया है। तो देखो 29 जुलाई का क्लोजिंग क्या आया है, 3202, मतलब 3180 से ऊपर आया कि नहीं क्लोजिंग दूसरे। तो ये जो दिन है जिस दिन ये क्लोजिंग ऊपर आया, ये दिन हम क्या करेंगे, एंड डेट में देंगे, मतलब वो पहला दिन जिस दिन मार्केट ने स्विंग लो के बाद में मार्केट बाय में आया, वो फर्स्ट डे जो रहेगा वो दिन हमें क्या करना है, एंड डेट में देना है, वो फर्स्ट डे जिस दिन मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स। ओके सो ये जो डेट है क्या है, 29th ऑफ जुलाई, ये हम क्या करेंगे, एंड डेट में देंगे। और सेम वे अगर इनकेस ये मोमेंट आपके सामने नहीं है बाय का और आपको इतना ही दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या, तो लेटेस्ट स्विंग देखेंगे पीछे से, तो स्विंग हाई आ रहा है, अभी स्विंग हाई मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो मुझे कौन सा कैंडल देखना है, ऐसा कैंडल देखना है जो कैंडल स्विंग वाले कैंडल के बाद में, मतलब स्विंग हाई आने के बाद ऐसा कैंडल जिसने क्लोजिंग नीचे दिया है। ओके मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में दिया है, तो फिर क्या करेंगे, स्विंग जिस दिन बना उस दिन के कैंडल का क्लोजिंग देखेंगे कितना है, 3376। और उसके बाद ऐसा दिन, तो जरूरी नहीं कि कैंडल रेड या ग्रीन ही हो, हमें सिर्फ क्लोजिंग क्या है, स्विंग वाले दिन से क्लोजिंग नीचे आना चाहिए, तो इसका क्लोजिंग है 3376, इसका क्लोजिंग है 3363, तो क्लोजिंग तो नीचे आएगा 10 रुपए। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउन साइड में क्लोजिंग आ गया, ये डेट आप यूज कर सकते हो। तो स्विंग हाई से अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको 28 जून डेट देना पड़ेगा, और वही लेटेस्ट अगर देख रहे हैं तो फिर ये स्विंग लो मिल रहा है, इसके बाद में ये दिन है। ओके 29th ऑफ जुलाई, तो 29th ऑफ जुलाई को पहला दिन था जिस दिन मार्केट ने इंडिकेशन दिया कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है स्विंग लो के बाद में। हाँ स्विंग लो के पीछे का देखने में कोई मतलब नहीं है, स्विंग के बाद में ही आपको जो भी देखना है देख, ठीक है। तो 29th ऑफ जुलाई हम क्या करेंगे, एंड डेट में देंगे। तो टूल पे जब भी जाएंगे, ट्रेड फाइंडर टूल पे आपको क्या करना है, ट्रेड फाइंडर पोजिशनल टूल ओपन करना है, यहाँ पे इंट्राडे दिखा रहा है, तो ये तीन लाइन को क्लिक करेंगे तो आपको टूल का नाम दिख जाएगा। ये देखो टीएफ पोजिशनल लिख के आया है यहाँ पे, तो इसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ट्रेड फाइंडर पोजिशनल ओपन हो जाएगा, और मोबाइल में कोई काम कर रहा है जैसे, ओके तो ये तीन लाइन को क्लिक करने के बाद टीएफ पोजिशन पे क्लिक करेंगे, और ये तीन जो लाइन होते हैं इसको वापस एक बार क्लिक कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके से आप कर सकते हो। ट्रेड फाइंडर पोजिशनल को हमने एक्सेस किया, अभी यहाँ पे जैसे नया कैलकुलेशन करना है तो ऑलरेडी नया विंडो ही ओपन होता है, और अगर आपको चाहिए तो प्लस पे क्लिक करेंगे नया विंडो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, तो वही जैसे इक्विटी कैश में हम टीसीएस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इक्विटी कैश में टीसीएस सिलेक्ट करने के लिए पहले एक्सचेंज में क्लिक करेंगे, एक्सचेंज में एनएससी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी आया, सिंबल में, और जो मैं अभी इक्विटी कैश में कर रहा हूँ वही काम आपको फ्यूचर में भी करना है, कुछ अलग नहीं करना, चाहे करेंसी करो कमोडिटी करो। टीसीएस टाइप कर दिया, सिंबल में टीसीएस ही डाल देंगे, ओके। और एंड डेट में डेट कौन सा आएगा, प्रीवियस वर्किंग डे नहीं आएगा, जो हमने यहाँ पे देखा है जिस दिन क्लोजिंग रिवर्स हुआ था, 29 जुलाई। ओके सो 29 जुलाई, 29 जुलाई 2021, ओके 29 जुलाई यहाँ पे डेट डाल दे। ये देखो कंफर्म कर ले, ओके कैलेंडर से भी ले सकते, फिर गेट डाटा कर देंगे। तो अभी क्या होगा, 29 जुलाई से पिछले 10 दिन का डेटा हमें
मिलेगा। ये देखो 29 जुलाई से पिछले 10 दिन का डेटा आया है। ओके, तो अभी इसमें हम कैलकुलेट बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो 3132 का लो है, स्विंग लो, और अभी फिलहाल मार्केट 3195। तो ये जो भी 50 पॉइंट का ऐसा 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आया है, तो ये स्विंग लो से इतना मूवमेंट आया है। पर अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, ठीक है इतना मूवमेंट तो आ गया, बट कल क्या करेंगे, या फिर अभी मुझे अगर ट्रेड बनाना है ये स्क्रिप्ट में तो कौन से लेवल पे ट्रेड करूंगा। पहले तो मुझे इनिशियल फेज निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट क्लिक करने के बाद में देखो 3132 3132.4 सेम हो गया। तो दोनों वैल्यू जब भी सेम हो जाएगा तब जो हमें लेवल मिलेगा वो हो गया अपना इनिशियल फेज हो गया। ठीक है, तो ये इनिशियल फेज से अभी हमें करंट फेज पे जाना है। तो यहाँ से आगे कुछ अलग नहीं है, अभी यहाँ से आगे जो इंट्राडे में देख रहे हो उस तरीके से। तो करंट फेज के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल है चार्ट, ओके, उसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट डिसेसिव कहाँ से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, तो ये डिसेसिव लेटेस्ट कैंडल मुझे ग्रीन वाला मिल रहा है। ओके, देखो इसका ओपन इक्वल टू लो भी है और ये इनसाइडर भी नहीं है किसी कैंडल का। तो ये कैंडल यूज कर लेंगे, इसका ओपन क्या है, 3315.56। तो 3315 बीच में है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अब फेस करना पड़ेगा। डबल थ्री वन फाइव और करना पड़ेगा, ठीक है 3318 आया है, और एक बार करके देखते हैं। देखो 3364 आ गया, तो 3315, सॉरी 3315 था, 51 लगना चाहिए, 3315, तो बैक आना पड़ेगा फिर। ये 3318 का जो लेवल है यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। सो 3315 बीच में आ गया। अभी आपका करंट फेज क्या है टीसीएस में, 3299, मतलब 3300 पे आपका बाय, आपको बाय करना है, और 3270 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जैसे अभी 3300 पे आपको बाय करना है, आप जैसे अभी लेट आ रहे हो, कल अगर आपको 3300 का रेट मिलता है तो बढ़िया है, लेकिन बाइंग रेंज क्या रहेगा, तो फिर आपको क्या करना है कि अभी ऑलरेडी मार्केट ऊपर चल रहा है, तो ये जो भी इनिशियल फेज है, सॉरी करंट फेज है, तो इससे क्या करो, आप एक फेज अप कर लो, खाली एक फेज अप कर लो, मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन एंट्री का एक रेंज पता करने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक मैं बाय करूँ, इससे महंगा नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3338 और टेक एंट्री अप टू क्या है, 3346, मतलब मैक्सिमम 3346 से लेके जो अपना एक्चुअल करंट फेज था उसका टेक एंट्री अप टू क्या है, 33 या फिर 3300। तो 3300 से लेके 3345 या 46, ये आपका रेंज हो गया। तो ये रेंज में जो भी प्राइस में आपको मिल रहा है आप माल उठा लो, ठीक है। तो ये तरीके से आप एंट्री कर लो, लेकिन 3346 पे भी आपने बाय किया तो भी आपका स्टॉप लॉस ये वो लेवल का नहीं आएगा। वो लेवल तो हमने सिर्फ एक एडवांस में, कि पिछला रैली छूट गया है तो अभी ऑलरेडी मार्केट मूविंग में है ना ऊपर के साइड में, तो चांसेस उसका जब भी बनेगा कि वो नीचे आएगा फिर मुझे बाय मिलेगा, उससे अच्छा क्या है कि नहीं, एक फेज अप का बाय देख लो और फिर उस वहां तक आप कर लो आप ट्रेड। फिर जैसे ही नेक्स्ट डिसिसिव कैंडल आ जाएगा तो अपना वही लेवल आने वाला होता है ना। ओके, सो थोड़ा ये ऐसा एडवांस कर लेंगे काम तो एंट्री इजी हो जाएगा, क्योंकि 3330 का वेट करोगे फिर मार्केट आपका लग अच्छा है फिर आएगा नीचे, और वही हो जाएगा जो लिमिट ऑर्डर का मैंने कल बताया था, और नहीं आया यही से ऊपर भागा तो ऊपर ऊपर जाएगा आप पीछे पीछे। तो एक फेज अप करके देख लो, ठीक है, उससे महंगा मत लो। नेक्स्ट फेज का जो भी टेक एंट्री अप टू पॉइंट है वहां तक आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर जैसे ही आपको पता चल गया कि 3345-46 का रेंज है, आप वापिस पीछे आ जाओ जो अपना लेवल है डिसिसिव कैंडल का यूज करके, तो 3345 से 3300 के रेंज में बाय करेंगे और स्टॉप लॉस यही रहेगा, 3270 का स्टॉप लॉस रहेगा। कब तक रहेगा ये स्टॉप लॉस, जब तक कोई नया डिसेसिव कैंडल मार्केट में नहीं आता है। तो समझो कल के दिन आप वापस रात को आके बैठे और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक नया डिसेसिव कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, और जिसका ओपन है 3330 का ओपन है, बराबर डिसेसिव और 3330 का ओपन है, तो फिर आप जाके चेक करो 3330 बीच में है क्या नहीं है। तो वापस जब डिसेसिव कैंडल आ जाएगा अपने आप अप फेज कर दोगे ना, तो जब भी अप फेज करोगे तब करंट फेज आपका चेंज हो जाएगा। तो वही आपका जो 3269 का स्टॉप लॉस था वो चेंज करके खाली वो अभी आ जाएगा 3298। मतलब क्या है कि मार्केट अगर 3298 जाएगा तो यहाँ से वो स्टॉक वापस डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तो हम निकल जाएंगे वहां पे जो भी प्रॉफिट है।
ओके तो ये तरीके से जैसे जैसे आपका डिसेंशन कैंडल बनते जाएगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको खाली लगाते जाना है। इक्विटी कैश में तो प्रॉफिट बुक करने की हड़बड़ी करनी ही नहीं, और इनकेस अगर आपको प्रॉफिट बुक करना ही है तो आप क्या करो, आपका एंट्री जो भी लेवल पे हुआ है, जैसे आपका सपोज दैट 3300 पे बाय मिला आपको, ओके सो ये आपका लेवल हो गया, ये फेज हो गया, ये फेज में मुझे बाइंग मिला है, तो आप क्या करो कि खाली दो बार अप फेस कर लो, एक और दो बार, मतलब डिसेसिव कैंडल बने नहीं बने मैं खाली टारगेट के लिए देख रहा हूँ, तो दो बार अप फेस करने के बाद में जो कंप्लीट प्रॉफिट दिखेगा ना आपको 3536, उस पे आप प्रॉफिट बुकिंग लगा दो, फिर हाफ प्रॉफिट बुकिंग, पूरा मत, पूरा निकाले ही मत, क्योंकि इक्विटी कैश में रैली एक बार आ गया तो फिर पूरा निकलने से क्या करना है, आधा इधर निकाल दो, आपका जो भी प्रॉफिट है वो इन कैश कर लो, और बाकी आधा क्वांटिटी है ना वो निकालो ही मत, उसको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाओ, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे जैसे प्रॉफिट में लगते जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी मार्केट नीचे आएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे, ये तरीके से हम काम करें, ठीक है। तो जो भी फेज में आपका एंट्री होता है दो बार अप फेस कर दो और उसका कंप्लीट प्रॉफिट देख लो, हाँ 3536 है नोट कर लो, और वापिस पीछे अपना जो करंट लेवल है उस पर आके बैठ जाओ, उधर ही मत छोड़ देना कैलकुलेशन, फिर आप बाद में आके देखोगे तो वो स्टॉप लॉस लगाओगे जो ऑलरेडी मतलब ऊपर रहेगा, मार्केट का रेंज करंट प्राइस से भी ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, फिर वो कन्फ्यूजन है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक बार अप फेस करना है एंट्री खाली है बाय पॉइंट देखने के लिए, और दो बार अप फेस करना है जब एंट्री हो जाएगा तो कंप्लीट प्रॉफिट का जो पॉइंट रहेगा उस पर आधा प्रॉफिट ही बुक करो, हाफ प्रॉफिट या कंप्लीट प्रॉफिट जो आपको लगता है, लेकिन दो फेज के बाद वाला जो आएगा उस पे आप टारगेट लगा सकते हो पोजिशनल, ठीक है। तो ये तरीके से काम करना है, तो ये तो हो गया कि पोजिशनल में ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करना है वो सब चीजें। अभी जैसे आप ये TCS जो था वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही अगर मैं और TCS का ही एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, अगला अगला चीज कि कोई स्क्रिप्ट अगर नीचे गिर रहा है, ओके जैसे अभी इक्विटी कैश में तो खाली बाय कर सकते हैं और फ्यूचर रहेगा तो बाय सेल दोनों कर सकते, तो अभी इक्विटी कैश में ही समझते हैं कंसेप्ट को, कि अगर ये TCS ऐसा इतना ही चार्ट है मेरे सामने, मतलब मैं 28 जुलाई को आया हूँ मार्केट में, मुझे इतना ही चार्ट दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि TCS नीचे गिर रहा है, बराबर तीन डिसेसिव कैंडल इधर तो बना ही है, ग्रीन और रेड तो बना ही है तीन से ज्यादा, ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्विंग हाई यूज करके मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। फिर आप क्या करोगे, ये 28 जून को आप देखोगे हाँ क्लोजिंग रिवर्स दिया है तो स्विंग के दिन से क्लोजिंग नीचे आया है, तो 28 जून का आप डेट सिलेक्ट करोगे, तो एक और TCS का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके TCS डाउन ट्रेंड के लिए कैलकुलेशन, एंड डेट क्या आएगा फिर 28 जून, ओके 28 जून से पिछले 10 दिन का क्लोजिंग आया, और ये स्विंग सही आया कि नहीं वो वेरीफाई कर लेना, ठीक है आपका डेट इधर उधर भी हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्विंग सही आना चाहिए, कभी कभी क्या होता है डेट तो ले लेते हड़बड़ी में चेक नहीं करते क्लोजिंग रिवर्स आया कि नहीं, और सडनली डेट लेके बैठते हैं और इधर स्विंग हाई की जगह पे स्विंग लो दिखाता है वो, हम देखते ही नहीं और सीधा चालू हो जाते हैं लेवल निकाल के, तो वैसे नहीं है, आपको एंड डेट भी क्रॉस चेक करना है और स्विंग सही आया है क्या, 3399.65 यही स्विंग यहाँ पे दिखना चाहिए, देखो वही है, देखो ये कैंडल का हाई देखो क्या है 3399.65, तो वो वेरीफाई कर लो हाँ सही आया, स्विंग सही आया मतलब डेटा सही लिया है, ओके तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है फिर, सर मैंने सही लिया है क्या एंड डेट, ओके जरूरत ही नहीं, ये स्विंग हाई मिल रहा है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने डेट सही लिया है, और कभी कभी ये कैंडल लेके 28 जून लेके आपको नहीं मिल रहा है उस दिन, बराबर तो आप क्या करो एक दिन और आगे का लेके देखो, तो हम मुझे क्या चाहिए कि वो स्विंग हाई एग्जैक्टली वही स्विंग हाई वहां पे शो होना चाहिए बस, ठीक है। तो एंड डेट आप अगर क्लोजिंग कंपेयर करके सही एंड डेट दे रहे हो तो है कि नाशी का ही क्लोजिंग कंपेयर कर रहे हैं आप, तो आपको सही डाटा मिलेगा, सही स्विंग ही मिलेगा, ओके तो स्विंग सही आ गया। अभी क्या करेंगे, सिंपल कि डाउन ट्रेंड में है तो जो भी लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल रहेगा वहां तक हम क्या करेंगे डाउन फेस कर लेंगे, तो यहाँ से पीछे आएंगे डोजी 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 ग्रीन कैंडल डोजी, ये यहाँ पे कैंडल दिख रहा है जो प्लेन लग रहा है मुझे, लेकिन ये इनसाइडर है कौन से कैंडल का, ये कैंडल आप देखो ये कैंडल का हाई का रेंज और लो के रेंज में ये 1 2 3 4 कैंडल बनी है, तो फिर ये इनसाइडर हो गया और ये बाकी तो डोजी है कुछ काम के नहीं, फिर सीधा ये नॉन इनसाइडर कैंडल मुझे 13 जुलाई को मिल रहा है
जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, प्लेन भी है और इनसाइडर भी नहीं है, नॉन इनसाइडर है। तो ये कैंडल का ओपन क्या है, 3235, करेक्ट। तो 3235 को यूज कर लेंगे, कैलकुलेट करके पहले इनिशियल फेज निकाल लेंगे। और 3235 क्या करना पड़ेगा, डाउन फेस करना पड़ेगा। तो 3235 से नीचे प्राइ वैल्यू जब तक वहां पे डिस्प्ले नहीं होता है। ओके आ गया, 3235 से कम आ गया। तो अभी आपका बाय सेल पॉइंट क्या आ गया, तो चलो सेल में तो काम नहीं है अपना, बाय पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 3299 पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया, करेक्ट। बाय एंट्री पॉइंट मतलब जो सेल ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड का स्टॉप लॉस या फिर रिवर्सल पॉइंट आप बोल सकते। ओके तो ये रिवर्सल पॉइंट क्या आ गया, 3299 मतलब वही 3300 ही आ गया ना जो हमने निकाला था, तो वो सेम ही रेंज आपको मिलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके सो 3300 पे ही आपको बाय मिल रहा है। देखो 3300 पे हम क्या करेंगे कि पहले ही लगा के रखो बाय, या जिस दिन 3300 आएगा उस दिन आप उसको बाय कर लो, फिर आगे मार्केट हाई बना रहा है, ये मार्केट ने हाई बनाया 3241, बाय नहीं मिला है, ठीक है। और अभी यहाँ पे 3225, और देखो इसी दिन 3290, ओके तो ये दिन आपको बाय मिल गया है 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त को आपको बाय मिल गया टीसीएस में। ओके तो ये जब भी मूवमेंट आया ही नहीं था तभी आपको ये दूसरे दिन ही जो है कैंडल ने मतलब सिस्टम ने आपको बाय दे दिया है, ठीक है। तो ये तरीके से आप काम करो। और अभी इसके बाद एक पॉइंट स्टार्ट होता है कि जैसे सर इधर मुझे बाय मिल गया तो अभी क्या करना है, तो जैसे ही आपको बाय मिल जाएगा आपको क्या करना है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में आ गया ना, तो उसके लिए वापस उधर आगे 4-5 ग्रीन कैंडल बनने का वेट मत करो। ट्रेड फाइंडर ने एडवांस में ही बोल दिया कि अभी टीसीएस बाय में आ गया है, ओके दूसरे कैंडल में उसने बोल दिया। तो अगर मार्केट बाय में आ गया है तो बाय में आया है तो कैलकुलेशन आइडियली अपना स्विंग लो यूज करके होना चाहिए ना, फिर अभी स्विंग हाई के कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, ये बाय देने के बाद जो भी लेटेस्ट लो बनाया है मार्केट ने वो स्विंग लो यूज करके कैलकुलेशन कर लेंगे। मतलब अगेन फिर अभी क्या है कि 4 तारीख को ही आप रात को बैठ के देखोगे बाय हो गया है, तो 4 तारीख को आप नया कैलकुलेशन करोगे। अभी स्विंग हाई का कैलकुलेशन भूल जाओ क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, वो डाउन ट्रेंड के लिए कैलकुलेशन था। तो अभी जैसे मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है तो क्या करना है, वही स्विंग लो के बाद कौन से दिन मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दिया है चेक किया, ओके 29 जुलाई का लेवल है, तो 29 जुलाई का डेट देखे हम क्या करेंगे, एक नया कैलकुलेशन करेंगे जो ऑलरेडी हमने किया है, ओके 29 जुलाई का। तो एक इनिशियल वापिस इनिशियल फेज पे आ जाते हैं। तो जब भी आप कैलकुलेट बटन क्लिक करोगे ना आपका कैलकुलेशन अगेन इनिशियल फेज पे आ जाएगा। मतलब कभी आपको लगता है सर मुझसे गलती से 2-4 बार अप फेज डाउन फेज हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आया, वापिस कैलकुलेट बटन क्लिक करो, वापिस वो रिसेट हो जाएगा, फर्स्ट फेज पे आएगा, फिर अगेन आप उसको अप फेज डाउन फेज करके कर सकते। तो अभी जैसे 29 तारीख का डेट लिया मैंने और ये इनिशियल फेज पे आ गए, और अभी देखेंगे कि जो भी मैंने बाय किया है 2900 या फिर 3299 मतलब 3300 पे जो मुझे बाय मिला है, ओके उसका स्टॉप लॉस क्या लगा, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस वो नहीं रहेगा जो पहले कैलकुलेट करके रखा था, वो डाउन ट्रेंड के लिए था। अभी ये नया कैलकुलेशन करो और ये नए कैलकुलेशन में जो सेल पॉइंट आएगा वो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, ओके। तो स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी मार्केट ट्रेंड रिवर्स करता है आपको रिकैलकुलेशन नए स्विंग से करना पड़ेगा, और फिर वो स्विंग से जो कैलकुलेशन जैसे बाय ट्रेंड में है तो स्विंग लो वाला कैलकुलेशन का जो भी सेल पॉइंट रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल फेज आ गया। अभी इनिशियल फेज के बाद में करंट फेज निकालना है क्या, उसके लिए कंडीशन क्या है कि देखो अभी तक लेटेस्ट डिसीजन बोलेंगे तो फिर ये 4 अगस्त का कैंडल हो रहा है, लेकिन तुरंत 4 अगस्त का कैंडल नहीं यूज कर, वो हमारे सामने ट्रेंड था ये, इसके लिए हमने यूज कर लिया था। लेकिन जब भी आप मार्केट में लाइव ट्रेंड में आप बैठे हो ट्रेड लेके, ओके जैसे ये दिख रहा था इसके लिए यूज किया लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है कि जब भी आप लाइव ट्रेंड में ट्रेड बना लेते हो, ओके तब आपको जिस दिन आपको ट्रेड मिलेगा, जैसे 4 अगस्त को आपको ट्रेड मिला है, ओके ये 4 अगस्त के बाद में डिसिसिव कैंडल बनना चाहिए, तो ही हमें इनिशियल फेज से अप फेज करना स्टार्ट करना है, ओके तब तक ये कोई भी डिसिसिव ग्रीन कैंडल आपको यूज नहीं करना है। तो मतलब जिस दिन आपको बाय मिला उसके बाद 2 डिसिसिव कैंडल आना जरूरी है। मतलब 4 अगस्त को आपको बाय ट्रेड मिला है तो 4 अगस्त के बाद कम से कम 2 डिसिसिव कैंडल आने दो, जब तक वो नहीं आती है तब तक आपको स्टॉप लॉस चेंज करना नहीं, ये इनिशियल फेज का जो भी सेल पॉइंट रहेगा यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3120 का, ओके।
तो वो पेशेंस आपको 1-2 दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को टाइम दो, मार्केट अभी बाय में है। जैसे मैंने कल बोला कि कोई बस तभी छूटती है जब सीट फुल हो जाएंगे, तो उसके लिए वो टाइम तो लेगा ना। कभी ऐसा हो जाएगा कि 1 घंटे में ही फुल हो जाएगी, ऐसा हो कभी कभी आधे घंटे में हो जाएगा, कभी 2 घंटा भी लग सकता है। तो वॉल्यूम वहां पे जनरेट होने के लिए मार्केट कभी जल्दी हो जाता है, कभी टाइम भी लेता है, तो वो कूलिंग पीरियड मार्केट को देना है आप। ओके, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। यहाँ से छोटा सा भी पुल बैक आ गया और इसको यूज करके बैठ गए या इसको यूज करके, तो आपका हाली बली स्टॉप लग जाएगा, लेकिन वो काम सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपको बाय मिला है उस दिन के बाद 2 डिसाइसिव कैंडल आने। तो ये देखो, ये एक डिसाइसिव कैंडल आया 5 तारीख को, प्लेन भी है और इनसाइडर भी नहीं है। ओके, एक तो आ गया, कुछ नहीं करना है, वही स्टॉप लॉस रहेगा इनिशियल फेज का। फिर वापिस 6 तारीख को देखो, नया एक कैंडल बना, लेकिन ये डोजी बना है, ओपन इक्वल टू लो नहीं है, तो दूसरा डिसाइसिव अपने लिए नहीं आए। फिर 9 तारीख को एक तीसरा कैंडल जो बना एंट्री मिलने के बाद, वो डिसाइसिव आ रहा है। मतलब एक डिसाइसिव कैंडल बना है और दूसरा 9 तारीख को बना है, बराबर। तो 9 तारीख को फिर शाम को आपको दिखेगा कि हाँ दूसरा डिसाइसिव कैंडल बना है। तो अभी क्या करना है, दूसरा यूज करना है क्या? नहीं, अभी भी मार्केट से थोड़ा सा दूरी रखना है स्टॉप लॉस को। तो क्या करना है, जैसे ही दूसरा डिसाइसिव कैंडल बन जाएगा, आपको फर्स्ट वाला जो कैंडल है आपका एंट्री 4 तारीख को मिला है, उसके बाद में जो फर्स्ट बना था, ये फर्स्ट वाले कैंडल को आप अभी यूज कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट वाला कैंडल क्या है, 5 अगस्त का कैंडल है, तो इसका ओपन क्या है, 3255.52। तो इसको आप यूज करके अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ओके, तो अभी आप इनिशियल फेज से अप फेज करना स्टार्ट कर सकते, ठीक है? ये तरीका हो गया। इसमें एक और मैं चीज ऐड कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी डिसेसिव कैंडल यूज करने जाओगे पोजिशनल के लिए, ओके, कोई भी डिसेसिव कैंडल, चाहे ये बन गया, फिर इसके बाद में, हाँ चलो अभी फर्स्ट कैंडल को यूज कर लिया, इसके बाद में क्या करेंगे कि जैसे ही आपका तीसरा डिसेसिव कैंडल आपको मिल जाएगा, जैसे ये फर्स्ट बना या दूसरा बना, और आपको अगर 10 तारीख को आपको तीसरा डिसेसिव कैंडल मिल गया, तो 9 तारीख को बैठ के आप पहले ये कैंडल को यूज करो। इससे जो स्टॉप लॉस आएगा, जो भी सेल पॉइंट आएगा, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और 10 तारीख को जैसे ही नया तीसरा कैंडल बन जाएगा, तो आपको वापिस पीछे रहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तीसरा कैंडल आ जाएगा, आप सीधा तीसरे कैंडल को यूज करना चालू करो, कि तीसरा, चौथा, पांचवा जैसे ही बनते जाएगा, आप हम सीधा उस कैंडल को यूज करते जाएंगे। फिर हमें एग्रेसिव होना है, फिर डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं। ओके, सो जैसे मैच में कैसे पिच पे सेट होने के लिए कुछ टाइम लेता है ना बैट्समैन, ओके, उसमें कुछ बॉल वेस्ट भी जाते हैं, लेकिन बाद में वो जैसे फ्लो में आ जाता है, वही फंडा यहाँ पे है। पहले वो कूलिंग पीरियड दो, एक बार ट्रेंड सेट हो जाएगा, फिर आप एग्रेसिव हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो जब तक 2 कैंडल नहीं बनता है, वेट करना है, इनिशियल फेज पे रहेगा। जैसे ही 2 कैंडल आ जाएगा, तो पहले कैंडल को यूज करेंगे, और जैसे ही तीसरा कैंडल बनेगा, तो सीधा तीसरे कैंडल को यूज करेंगे, और फिर तीसरा, चौथा, जैसे ही डिसेसिव कैंडल बनते जाएगा, उसको हम यूज करते जाएंगे। ओके, ये आपको पेशेंस रखना है जब आप करंट ट्रेंड में एंट्री लेते हो, मतलब जब ट्रेड में रहते हो आप। ओके, तो जिस दिन ट्रेड मिलता है वो दिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपको 2 डिसाइसिव कैंडल आना है, तब तक वेट करना है। दूसरा आएगा तो पहले को यूज करेंगे, और तीसरा आएगा तो सीधा तीसरे को यूज करेंगे, और तीसरे के बाद हम हर एक डिसाइसिव कैंडल को यूज करते जाएंगे। ये कंसेप्ट। और इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो भी कैंडल, डिसाइसिव कैंडल आप यूज करने जाओगे, ओके, उसका क्लोजिंग आपको वेरीफाई करना है। तो क्लोजिंग वेरीफाई करना है मतलब क्या करना है, ये जो भी, जैसे मैं 5 तारीख का कैंडल यूज कर रहा था, ओके, 9 तारीख को रात को बैठ के, तो इसका क्लोजिंग जो है कि नाशिक का क्लोजिंग, इससे हमें कैंडलस्टिक के क्लोजिंग के साथ कंपेयर करना है। और है कि नाशिक में अगर आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, मतलब अप ट्रेंड के लिए देख रहे हो, तो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग ये है कि नाशिक के क्लोजिंग होना चाहिए। सर माइक म्यूट कर दो। ओके, तो अभी है कि नाशिक का भी चार्ट है, हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि नाशिक वहां पे है, तो यहाँ पे कैंडल स्टिक का चार्ट लगा देते हैं। ओके, एक कैंडल स्टिक का चार्ट आए, तो अभी यहाँ पे देखेंगे आप, तो कौन सा कैंडल मुझे यूज करने वाला था। तो है कि नाशिक पे ही आपको रहना है, लेकिन जिस दिन आप कैलकुलेशन के लिए वो डिसेसिव कैंडल यूज करने जाओगे, तब खाली आपको चेक करना है, जो भी कैंडल का यूज मैं ओपन ओपन यूज करने जा रहा हूँ, उससे पहले एक बार चेक करने की इसका क्लोज वेरीफाइड है क्या। तो अगर ग्रीन है कि नाशी कैंडल रहेगा, तो कैंडल स्टिक का क्लोजिंग ये है कि नाशी से ज्यादा होना चाहिए, और अगर रेड है कि नाशी कैंडल है, मतलब डाउन ट्रेंड में वो बन रहा है, तो है कैंडल स्टिक का क्लोजिंग ये है कि नाशी क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए।
मतलब अगर आपको ध्यान में रखना है तो कैसे समझना है, एक कैंडलस्टिक हमेशा आगे चलेगा और हैप्पीनेस ही उसके पीछे रहेगा। तो अप ट्रेंड है तो कैंडलस्टिक ऊपर चलेगा और डाउन ट्रेंड है तो कैंडलस्टिक नीचे चलेगा। मतलब हैप्पीनेस का क्लोजिंग ऑलवेज कैंडलस्टिक के पीछे होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो ही वो कैंडल यूज करेंगे। ओके, तो अभी जैसे वेरीफाइड क्लोज अगर देखना है तो 5 तारीख के कैंडल का हैकिनाशी में क्लोजिंग देखो। हैकिनाशी यहाँ पे हैकिनाशी का क्लोजिंग हैकिनाशी में क्लोजिंग क्या है, 3284.11। और वही वही कर्सर देखो कैंडल स्टिक में, 5 तारीख पे ही आपको दिखेगा वो कर्सर। ओके, कर्सर सिंक्रोनाइज किया है तो 5 तारीख को वही क्लोजिंग अगर देखेंगे तो कितना है, 3283.95, और वहाँ पे 3284, मतलब 3284.11 से वो कम है थोड़ा सा। ओके, तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए हैकिनाशी के क्लोजिंग से, कैंडलस्टिक का क्लोजिंग हमें ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा नहीं है, कम है, तो क्या करेंगे, ऐसे कैंडल को हम यूज नहीं करेंगे, वेट करेंगे नया कैंडल बनने। अगर जैसे अभी ये कैंडल आपको दिख रहा है, ये देखो ये 3 अगस्त का, इनकेस 3 अगस्त का मुझे यूज करना होता तो मैं क्या करता कि उसको चेक करता क्लोजिंग वेरीफाइड है क्या। तो क्लोजिंग वेरीफाइड करने के लिए ग्रीन कैंडल है हैकिनाशी में तो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग ज्यादा होना चाहिए। तो हैकिनाशी का क्लोजिंग देखो क्या है, 3285.71, और वही कैंडलस्टिक का क्लोजिंग क्या है, 3284 है। मतलब ओके, वेरीफाई हो गया क्लोजिंग कि हैकिनाशी से कैंडलस्टिक का क्लोजिंग ऊपर आ गया, तो ये कैंडल यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कैंडल का ओपन यूज करके फेज कैलकुलेशन कर सकते। वही आप अगर नेक्स्ट कैंडल देखोगे, 4 अगस्त का कैंडल देखो। ओके, तो इधर तो कलर ही डायरेक्टली अलग आ रहा है, तो 4 अगस्त का कैंडल का क्लोजिंग क्या है, 3285, और कैंडलस्टिक में क्लोजिंग क्या है, 3273, तो क्लोजिंग नीचे है तो नॉन वेरीफाइड कैंडल है तो उसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी वो कैंडल को आप यूज करने जाओगे कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आपको उसका क्लोजिंग वेरीफाई कर लेना है। फिर तीसरे कैंडल के बाद में तो प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे अपना ये हैकिनाशी में देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल था, ये सेकेंड था, और जैसे ही आपका अभी फर्स्ट तो वेरीफाई हुआ नहीं तो वापिस आपका फेज वही रहेगा, आप फेज करोगे ही नहीं। फिर अगेन जैसे आपको ये तीसरा कैंडल मिल जाएगा 10 तारीख को, तो 10 तारीख को सीधा तीसरा यूज करना है। 10 तारीख को शाम को आके देखेंगे ओके डिसिसिव बना है, तो यूज करने से पहले उसका क्लोजिंग वेरीफाई कर लेंगे। तो क्लोजिंग कितना है हैकिनाशी में, 3328.75, और कैंडलस्टिक में 3333, मतलब 28 से ज्यादा है तो अपना वेरीफाइड कैंडल का क्लोजिंग जो है वो वेरीफाई हो गया। ओके, कंडीशन मैच हो गया तो फिर ये कैंडल को हम यूज कर सकते हैं। फिर 10 तारीख को ही आपको सीधा इनिशियल फेज से आपका स्टॉप लॉस करंट फेज पे लाना है। तो 10 तारीख के कैंडल का ओपन जो है क्या है, 3302.36 हैकिनाशी में। ओके, सो हैकिनाशी में यहाँ पे जो ओपन दिख रहा है 10 तारीख के कैंडल का क्या है, 3302, तो उसे यूज करेंगे। और फिर 10 तारीख को जो हमने 4 तारीख को ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस 3122 से अभी चेंज होगा, 3302 को यहाँ पे बीच में लाना है। अब फेस करेंगे देखो सीधा ऊपर चलेगा 3302। ओके, 3318 आ गया, मतलब 3302 बीच में आ गया, यहाँ पे था 3284 तो 3302 बीच में आएगा तो स्टॉप हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और आगे नहीं जाना है, और आगे जाएंगे तो भी बीच में ही देखेगा आपको। देखो यहाँ पे भी 3302 ये नहीं चलेगा, जो फर्स्ट फेज है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम बीच में आ रहा है वही पे रुक जाना है। ठीक है, 3302 बीच में आ गया, तो ये जो भी सेल पॉइंट है 3269, ये आपका सेल एंट्री, आपका जो भी है स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बाय ट्रेड जो मिला था इसका स्टॉप लॉस अभी 3269 10 तारीख को आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सीधा आपका स्टॉप लॉस जो है वो 120 से सीधा 270 पे चला गया, तो इतना जो भी है डिफरेंस कवर हो गया ना आपका स्टॉप लॉस, आपका प्रॉफिट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगेन 10 तारीख के बाद में अगर कोई डिसीजन कैंडल आता है, जैसे देखो 11 को है कि नाशी में देखो इधर राया लेफ्ट साइड में, 11 तारीख को भी डिसीसिव कैंडल आया है। ओके, ओपन और एक ओपन इक्वल टू लो है और इनसाइडर भी नहीं है, तो ये कैंडल हम यूज कर सकते हैं क्या, ओके हमारे लिए डिसीसिव है लेकिन यूज करने से पहले उसका क्लोजिंग वेरीफाई करना है। तो क्लोजिंग वेरीफाई करने के लिए जाएंगे तो वहां पे चेक किया, यहाँ पे 45 है क्लोजिंग और वहां पे 44 है, तो वेरीफाई नहीं हो रहा है तो नहीं यूज कर सकते उसको। तो अभी भी टीसीएस में स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस टीसीएस में यही है 3269, तो 3269 का स्टॉप लॉस लेके आप टीसीएस को बाय कर सकते हो। ओके, अभी भी करना है, चाहे करंट रेट पे करो जो भी करो, लेकिन मैंने रेंज बोली दिया है कि
जो भी बाय पॉइंट है करंट फेज का वो, और एक फेज अप करके देख लो, जैसे वो हमने किया था तो 3345 और 3300, तो ये रेंज में आपको टीसीएस मिलता है आजकल कभी भी, तो आप उसको बाय कर सकते हो। जैसे आज देखो, आज टीसीएस ने 3326 का लो लगाया है, तो मतलब 3345 के रेंज में तो उसको बाय करने मिला ही है ना, तो इसीलिए आज आज देखो मार्केट नीचे भी खुला है लेकिन फिर भी ग्रीन कैंडल क्यों बनाए है। ओके, तो यहाँ से मार्केट यहाँ खुला सीधा नीचे और फिर ऊपर क्यों गया, क्योंकि वो नीचे ही जो आया था 3326 का, वो लोगों ने बाइंग किया है, वो करंट फेज का बाइंग लेने के लिए आया। ओके, तो इसीलिए एक फेज अप करके वो रेंज में आपको माल उठाना है। तो कभी भी आप आएंगे मार्केट में, जो भी करंट फेज है उससे एक फेज अप कर लेंगे और वो रेंज में अगर मिल रहा है तो ट्रेड ले लेंगे, आपको आराम से ट्रेड मिल जाएगा। ओके, तो 3269 का स्टॉप लॉस रख के आज भी टीसीएस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। ये रैली जब भी आता है तो रोज का वॉल्यूम आता है, तो ये जो बीच बीच में रेड कैंडल बनता है ना उसी के लिए बनता है, करंट फेज पे लोग वापस बाइंग करते हैं, तो किसी का यहाँ पे छूट भी गया ट्रेड, कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे वापस ट्रेड लेने के लिए मिल जाएगा। तो ये तरीके से पोजिशनल में काम करना है। फिर आगे 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 जैसे जैसे डीसीसी बनते जाएगा उसको हम वेरीफाई करते जाएंगे, और जो भी हर एक कैंडल को, अभी तीसरे कैंडल के बाद में वो हर एक कैंडल को जो भी वेरीफाइड क्लोज देगा उसको यूज करते जाएंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे, और इनकेस आगे जाके वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो जैसे ही मार्केट सेल में आ जाएगा तो क्या करेंगे, वो जो भी प्रॉफिट है अपना वो बुक कर लेंगे, और मार्केट सेल में आ गया तो अगेन नया कैलकुलेशन करेंगे। अभी सेल ट्रेंड में आ गया तो स्विंग लो का कुछ फायदा नहीं, अभी स्विंग हाई जो भी नया हाई बनाएगा मार्केट, वहां से अगेन आपको नया कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाय पॉइंट पे हम बाय लगाते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएगा हम बाय लगाते जाएंगे। फिर उसमें भी वही कंडीशन आएगा, जिस दिन सेल मिलेगा उसके आगे दो डिसेसिव लेटेस्ट रेड कैंडल आना चाहिए। ओके, तब तक आपको फेज कैलकुलेशन नहीं करना होगा, और दूसरा आएगा तो पहले को यूज करेंगे, यूज करने से पहले वेरीफाई की चेक करेंगे, अगर वेरीफाई है तो यूज कर लेंगे, और जैसे ही तीसरा आ जाएगा तो तीसरा चौथा जो भी कैंडल डिसेसिव है और क्लोजिंग वेरीफाई हो रहा है वो कैंडल को हम यूज करते जाएंगे। ओके, तो ये तरीके से तरीका सेम रहेगा, चाहे अप ट्रेंड में रहो डाउन ट्रेंड में रहो, जब भी आप करंट ट्रेंड में एंट्री बना लोगे तो यही देखना है कि जिस दिन एंट्री मिला है उस दिन के बाद दो कैंडल, दो बना तो पहला कैंडल, तीसरा बना तो सीधा तीसरा कैंडल, और यूज करने से पहले क्लोजिंग वेरीफाई, बस इतना आपको ध्यान में। ओके, तो इतना ही पोजिशनल है इसमें, और कुछ एडिशन नहीं है। जो भी पुराने लोग भी आज कनेक्ट हुए तो ये पोजिशनल का पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। और जैसे आप लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल देखते जाते हो तो इनसाइडर तो देखना ही नहीं है। ओके, और जैसे कभी ऐसा बीच में थोड़ा मूवमेंट आता है, मार्केट नीचे आता है, तो लेटेस्ट कैंडल जो भी बनेगा ना मार्केट में, तो अप ट्रेंड में देख रहे हो तो उसमें नया हाई लगाना चाहिए, मतलब वो हाईएस्ट कैंडल, हाईएस्ट लेटेस्ट कैंडल ही देखो। ओके, नहीं तो मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया इसको यूज कर लिया और फिर इसके बाद में नीचे आके इधर कोई ग्रीन बन रहा है तो उसको यूज नहीं कर सकते। करेंगे तो हम तो अप फेज कर रहे और फिर आप डाउन फेज करोगे क्या, स्विंग लो का कैलकुलेशन नहीं, तो उसको यूज कर, वो आप यूज करने जाओगे तो ही पता चलेगा, सर मैं तो ग्रीन कैंडल देख रहा हूँ लेकिन मुझे डाउन फेज करना पड़ता। ओके, तो वो नहीं है, जो भी लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल बनेगा ना वो आपका हाईएस्ट नया नया हाई बनाने वाला कैंडल जो है वो आपको देखना है। अभी ये कैंडल देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे है कि नाशे, इसने नया हाई तो बनाया है लेकिन डिसेसिव नहीं है तो इसे नहीं देखेंगे, लेकिन इसके पिछले वाला फिर मेरे लिए लेटेस्ट हाईएस्ट डिसेसिव कैंडल है। ओके, और वही अगर डाउन ट्रेंड में है तो लेटेस्ट लोएस्ट डिसेसिव कैंडल आप देखेंगे, वो मार्केट का ही हाई उसने बनाने चाहिए, ये जरूरी नहीं है अब तक का ही हाई बनाने चाहिए, वो जरूरी नहीं, लेकिन पिछले डिसेसिव कैंडल से उसका हाई ये ज्यादा हो। ओके, तो वैसे ही कैंडल को हम यूज करते जाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी सूरत में डाउन फेज तो करना ही नहीं है ना, हमें तो ऑफ फेज ही करना है, तो इससे नीचे अगर कोई कैंडल बनेगा भी डिसेसिव तो उसका ओपन नीचे आ जाएगा, तो आपको डाउन फेज थोड़ी करना है, डाउन फेज करना ही नहीं है, तो ये डिसेसिव बना इसके इससे ज्यादा हाई बनाने वाला यूज करेंगे, और वही डाउन ट्रेंड में अगर ये डिसेसिव कैंडल आता है तो इससे नीचे लो बनाने वाला अगला यूज करेंगे, इसका इससे लोएस्ट अगला यूज, मतलब लेटेस्ट लोएस्ट डिसेसिव कैंडल फॉर डाउन ट्रेंड और लेटेस्ट हाईएस्ट ग्रीन डिसेसिव कैंडल फॉर अप ट्रेंड। ओके, ऐसा प्रैक्टिस से आपको ये और इजीनेस लगेगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे जो है पोजिशनल मैंने वन शॉट पे खत्म कर दिया, मतलब ये मैंने क्यों किया, म्यूट क्यों रखा, कि जब भी आप रिवाइज करोगे तो वो कंसेप्ट आपको आपके सामने आएगा जिसमें आप अटक रहे हो,
पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग का जो भी कितना टाइम लगा हमें, ओके हाफ एन आवर का भी आप सेशन देख लोगे तो भी आपको ये पूरा कंसेप्ट उसमें आ जाएगा, और जिधर आपकी गाड़ी अटक रही है वहां पे आपको स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें किसी का डाउट है तो पूछो, और एक दो एग्जाम्पल इसमें लेके देखेंगे तो ये रिविजन आपको होते ही जाएगा, लेकिन फिर भी किसी का डाउट है तो पूछो। हेलो। बोलिए सर, एक्चुअली इसमें हम लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल ओनली फॉर हमारा स्टॉप लॉस को चेंज करने के लिए चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, स्टॉप लॉस को चेंज करने के लिए ही आपको इसे चेक करना है, स्टॉप लॉस को। या हाँ, जब भी लाइव ट्रेंड में रहते तो हर बार हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए डिसीजन कैंडल यूज करते हैं ना। ओके, और एंट्री नहीं मिला है, हम तो करंट फेज निकालने के लिए डिसीजन कैंडल यूज करते हैं। अगर आपको एंट्री नहीं मिला है, छूट गया है, तो जो भी लेटेस्ट डिसीजन कैंडल है उससे जो लेवल मिलेगा वही तो करंट फेज रहेगा आपका। जैसे नया कैंडल बनेगा तो वो करंट नहीं रहेगा, नए करंट कैंडल को यूज करके जो मिलेगा वही करंट फेज रहेगा। तो करंट फेज निकालने के लिए हम लोग डिसीजन कैंडल यूज करते हैं। अभी उस पे आपको एंट्री मिला है नहीं मिला है, अभी आप लेट आ गए, 9/4 को आपने देखा ही नहीं था डीसीएस, आज देख रहे हो, तो जो भी बाय पॉइंट आ रहा है उस पे बाय कर लो ना। ये स्टॉप लॉस के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट है कि स्टॉप लॉस सेल पॉइंट रहेगा, वो स्टॉप लॉस लेके आप कहीं पे भी बाय करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना रिस्क आपको लेना है। ठीक है, तो पोजिशनल काम जब भी कर रहे हैं तो हम मार्केट को क्या पूछ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है मार्केट से, कि ये ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं मैं बाय कर लूंगा, लेकिन ये ऊपर जाने वाला जो स्क्रिप्ट है, मार्केट है, वो नीचे जाना कब स्टार्ट करेगा, मतलब जैसे ही वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा मैं मेरा प्रॉफिट बुक करूं। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम लोग स्विंग लो से कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसका रिवर्सल पॉइंट, ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट ढूंढने के लिए ये सब हम जो है सिस्टम डेवलप किया है और ट्रेंड एनालिसिस कर। तो जैसे ट्रेंड रिवर्स होगा मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा, या फिर डाउन ट्रेंड में से मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाएगा, जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होगा तो मेरा सबसे मतलब जितना लेटेस्ट हो सके मेरा एंट्री मुझे मिल जाएगा। ये सब कैंडल नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको इस दिन ही पता चल जाएगा कि मार्केट बाय में आया है, और यही पे आप बाय करके बैठ जाओगे, फिर ये रैली आपको कवर करके आएगा। और यहाँ से और उसने 4 कैंडल ग्रीन बना दिया, तो ये कैंडल का यूज करके वैसे भी आज वापस बाइंग करने के लिए मिला है, तो फिर वो हमें नहीं दिख रहा है ना, लेकिन बिलीव सिस्टम पे, सिस्टम क्या बोल रहा है, 3 to 6 9 जाएगा तो ही नीचे जाएगा, अदरवाइज टीसीएस ऊपर ही जाएगा। ओके, सो हमारे 3 to 6 9 इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट। ओके सर, ओके समझ गया। ओके, सर कैंडलस्टिक को एक ही साथ में कैसे दे सकते हैं हम मोबाइल में? साथ में ये अभी इन्होंने investing.com मतलब ये पीसी पे ही ऑप्शन है सर, साथ में देखने का, मोबाइल में नहीं। हाँ मोबाइल में आप क्या करो, जैसे ये यहाँ पे आपको एक ही दिखेगा ना, दो की जगह पे आपको, ये दो की जगह पे आपको एक ही दिखेगा, तो सीधा आपको क्या करना है, खाली चार्ट यही रहेगा, ये कैंडल पे कर्सर है, सिर्फ आपको जैसे 9 अगस्त का कैंडल देखना है तो अगर यहाँ बदल पे, बदल के देखना पड़ेगा ना। हाँ इसको चेंज कर लो ना, खाली आइकिनासी को हाँ कैंडल पे क्लिक कर दो और 9 अगस्त का क्लोजिंग देख लो क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम है तो बस अपना काम हो गया, वापिस इस पे आइकिनासी पे आ जाओ। ठीक है, ये ऐसा करना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। और वो रोज रोज नहीं करना है, जिस दिन आपको डिसिसिव कैंडल का क्लोजिंग यूज करना है उस दिन करना है, और ना लाइव मार्केट में करना है, आराम से घर पे बैठ के आराम से करना है, तो वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत रिलैक्स काम होगा, पैसा भी अच्छा बनेगा, अच्छा फीलिंग भी आएगा आपको मार्केट में काम करने का, और एक इन्वेस्टर के जैसा, एक प्रो ट्रेडर के जैसा आप फील कर पाओगे पोजिशनल। लेकिन ये पोजिशनल में जो कैरी करने का कॉन्फिडेंस है वो सब है सिस्टम अंडरस्टैंड करना, तो पहले 2 दिन इंट्राडे पे काम करो, जो भी 5 स्क्रिप्ट दिया है वो 5 स्क्रिप्ट का रोज लेवल मैच करो, और कोई भी 2 स्क्रिप्ट में या 1 स्क्रिप्ट में आप रोज ट्रेड लगाया करो, 2 शेयर 5 शेयर से लगाओ, प्रॉब्लम नहीं है, 2 4 5 दिन वो करो, और फिर उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल ही है, वापिस एक बार रिवाइज कर दो और फिर पोजिशनल ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोलता हूँ हर एक बंदे ने पोजिशनल तो काम करना ही है, क्योंकि वो सस्टेनेबल है आपका जॉब बिजनेस करते करते। ओके, उसमें अच्छा पैसा बनेगा और ट्रेड भी मिस नहीं होगा।
ठीक है, तो और एक कोई एग्जांपल लेके देखिए आप पुलिसमैन का। जैसे मैं करेंसी में बोल रहा था तो एक करेंसी का एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। करेंसी में काम करना है तो क्या करेंगे, एनएससी, एनएससी में फ्यूचर करेंसी में जाएंगे, सिंबल में डाल देंगे यूरो आईएनआर या फिर यूएसडी कोई भी, ठीक है। यूरो आईएनआर डाल दिया, सिलेक्ट ईयर 2021, एक्सपायरी जो भी लेटेस्ट मंथ है उसका ही लेंगे। सर जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम आप जैसे ये ऐसा मतलब ये रिकॉर्डिंग तो ही ना आपके पास, ओके, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही ना ये सेशन का, ओके, तभी वापस रिवाइज कर लेंगे ना। अपडेट करते है, कोई टेंशन मत लो आप। जैसे मैं टेलीग्राम पे मैंने आज डाल ही दिया शाम को कि आज पोजिशनल का सेशन है, लिंक से ज्वाइन करो, तो जिनको जिनको क्वेरी है उन्होंने ज्वाइन किया। और तब तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो अभी आपको कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, क्योंकि आप अभी तक इंट्राडे में अटके हो, या फिर अभी अभी आपने कल ही टूल यूज करना स्टार्ट किया है, तो वो कंसेप्ट अभी दिमाग में है ना, तो थोड़ा खिचड़ी हो रहा है बराबर। लेकिन जिन लोगों ने पहले दिन ही टूल सब्सक्राइब कर लिया था तो उनका थोड़ा सा इजीनेस आ रहा है, क्योंकि वो दो तीन दिन से वो चीजें देख रहे हैं बराबर, तो स्टेप बाय स्टेप वो होते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो सर, जॉइन ट्रेड फाइंडर पोजिशनल ट्रेनिंग सेशन, ओके, आप रहेंगे ना सर, क्या बोल रहे थे आपने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है हमारा? हाँ हेलो, हाँ सर, वो इस सेशन के बाद तो डिलीट हो जाएगा ना? नहीं वैसे ही रहेगा, डिलीट नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। हर अलग अलग सेशन में अलग अलग ग्रुप बनता है, हर सेशन का अलग ग्रुप बनता है, ओके, इसमें कुछ लिमिट नहीं है, इसलिए तो टेलीग्राम यूज करते हैं। नहीं मैंने इसलिए पूछा कि अलग अगर वो डिलीट हो जाएगा तो आपने जो वीडियो डाला है वो तो हमें नहीं मिलेगा ना? नहीं क्यों, अगर डिलीट हो करते हो तो वो तो आप पूछ लो ना मुझे, मैं वापस भेज दूंगा। और YouTube में है क्या सर? YouTube पे तो पढ़ा ही रहता है ना, ओके, YouTube में होता है, YouTube में होता ही है ना, YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो सब लोग, रोज का रोज वीडियो आएगा, तो हम लोग ओपन सोर्स ही रखते है, पहले पे करो फिर ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं, जो है सबके सामने। अभी मैं बोलता हूँ आपको, वेबिनार से भी ज्यादा लीड वो यूट्यूब का वीडियो देख के डायरेक्टली लोग 3,000 भी नहीं सीधा टूल ले लेते, क्योंकि वो पहले ट्रेनिंग देख लेते हैं ना पूरा, उनको और सीधा पेमेंट, ट्रेनिंग को अटेंड करने की तो जरूरत नहीं पड़ती। आज का सेशन वाकई जरा समझ के परे है, इसलिए अगर मैंने इसलिए पूछा कि अगर वो डिलीट हो जाता है यूट्यूब में हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ना हो तो हमारे, तो मैंने आपको जो बंदा दिया है ना उसको कॉल करो, वो वापिस पोजिशनल का पूरा ट्रेनिंग दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मिल जाएगा तो अच्छा होगा। नहीं व्हाट्सएप पे तो नहीं भेज सकते, फिर वो कॉपी पेस्ट करके उधर आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप का तो डिलीट हो जाता है। व्हाट्सएप पे एक आप प्रोफेशनल, ये टेलीग्राम पे आप आदत डाल दो जो भी है मुझे, या फिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, कभी भी यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट बना के रखा है, ट्रेड फाइंडर पोजिशनल में जाओ, आपको सब पोजिशन के मिलेंगे, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब कर लो चैनल। और कस्टमर सपोर्ट का नंबर दे दीजिए, यूट्यूब चैनल है ना वो अपने स्टूडेंट के लिए ही बना है, ओके, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ा के वगैरह वो काम हमें करना भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं। आप देखोगे तो वीडियो को थंबनेल डालने के लिए भी मतलब ये होता है, क्योंकि बंदा भी बैठा है, फिर भी हमें इंटरफेरेंस करना होता है, हमें तो अपने ट्रेडिंग पे फोकस करना है। कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट के लिए हम लोग। हाँ अच्छा है, यूट्यूब पर तो हर रोज मिल रहता ही है, कोई बात नहीं सर। हाँ सर ठीक है, तो ये यूरो पे जैसे यूरो में करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, यूरो आईएनआर का चार्ट लगाना, तो यूरो आईएनआर 21 अगस्त का चार्ट लगा दिया, ओके,
फिर अभी यहां से देखेंगे है कि नशी चार्ट, ओके है कि नशी, यहां से देखेंगे पीछे से, ओके तो ट्रेंड कौन सा है, तो मैंने क्या बोला आपको कम से कम तीन डिसेसिव कैंडल आपका आना चाहिए, वॉल्यूम का हटा देता हूं। तो ये कैंडल का लो है 87.34, इसका है 37, तो ये डिसेसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दूसरा डिसेसिव है, ये तीसरा डिसेसिव है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, इसका ओपन इक्वल टू हाई है क्या है, तो ये सिक्स है और ये सेवेंथ है, तो सात डिसेसिव आ गया। और ये रेड में तो तीन डिसेसिव आ गया, लेकिन ग्रीन में भी तो बनना चाहिए ना, तो ग्रीन में ये एक बना है ओपन इक्वल टू लो है, ये दूसरा बना है और ये तीसरा बना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट तीन डिसेसिव कैंडल का था तो वो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर दो ही रहता तो ये स्विंग हाई में यूज नहीं कर सकता, फिर मुझे पीछे जाना पड़ता, ओके। लेकिन जबकि यहाँ पे तीन बन गया है, एक दो तीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये स्विंग हाई यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो लेटेस्ट स्विंग कौन सा मिल गया मुझे, ये मिल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्विंग हाई अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो जो भी नेक्स्ट कैंडल स्विंग हाई के बाद में आएगा ऐसा जिसने क्लोजिंग रिवर्स किया है, वैसे कैंडल का यूज हम एंड डेट के लिए करेंगे। तो 2 अगस्त का देखो, ये कैंडल का क्लोजिंग है 88.65 और ये कैंडल का क्लोजिंग है 88.60, तो क्लोजिंग नीचे आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 2 अगस्त का डेट हम एंड डेट में लेंगे, ओके। और गेट डेटा कर देंगे, गेट डेटा के बाद में ये यहाँ पे स्विंग हाई 88.86, ओके देखो वही है स्विंग हाई 88.8650, ठीक है, तो वो क्रॉस चेक कर लो, 88.865 आया है, तो 5 मतलब आगे कुछ नहीं, मतलब 0 है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है सर, इधर तो दो डिजिट है, इधर तीन डिजिट है, कैसे करूँ, इधर तो चार डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में डिजिट नहीं, मतलब आगे कितना भी 0 लगाओ, ये सब चार डिजिट ही है, ओके 2650 ये कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अभी ये इनिशियल फेज आ गया, करंट फेज के लिए क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल है उसका यूज कर लेंगे, ओके। तो लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल ये दिख रहा है मुझे, इनसाइडर भी नहीं है, ओपन इक्वल टू हाई भी है, तो इसका ओपन हम यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए 87.5465। लेकिन ओपन यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या पोजिशनल में, क्या करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक में, हाँ क्लोजिंग वेरीफाई करना पड़ेगा, ओके। तो यही कैंडल कौन से दिन का है, 12 अगस्त का है, क्लोजिंग है, तो इसमें ना ये 87 भूल जाओ, खाली पॉइंट के बाद में का डिजिट जो है ना वो दिमाग में रखा, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका क्लोजिंग क्या है, 87.3931, तो 3931 है और डाउन ट्रेंड में मार्केट है, रेड कैंडल देख रहा हूँ, मतलब कैंडल स्टिक का क्लोजिंग ये नीचे होना चाहिए है कि नाशी से, तो 3931 से कम अगर क्लोजिंग रहेगा तो ये कैंडल हम यूज कर सकते, ओके। अगर नहीं रहेगा तो इसका पिछले वाला पे, तो 3931 ये ध्यान में रखो, यही पे मैं अभी कैंडलस्टिक चार्ट लगा दे। तो ये 12 तारीख का कैंडल देखो, यहाँ पे क्लोजिंग क्या है, 37 है, तो 3931 से नीचे आ गया ना, 37 आ गया ना, मतलब वहां पे 39 था, यहाँ पे 37 आ गया, तो क्लोजिंग वेरीफाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। फिर जैसे ही क्लोजिंग वेरीफाई हो जाएगा वापस हाई की नशी चार्ट लगा देंगे, और अभी ये जो कैंडल है इसका ओपन फिर देखेंगे क्या है, 87.5465, तो 5465 बीच में है क्या, नहीं 88.66 है, तो 87.54 चाहिए, तो डाउन फेस करेंगे 87.54 से नीचे, जब तक नहीं आता है डाउन फेस करते जाएंगे, 8799 आ गया, 8770 है, 87, ओके स्टॉप। सो ये जो है अपना करंट लेवल है यूरो का, तो यूरो में कैसे फ्यूचर है ना, तो आप शॉर्ट सेल ट्रेड लेके काम कर सकते हो, तो 87.55 पे आपको शॉर्ट सेल करना है, और अभी ऑलरेडी वो नीचे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया एंट्री लेने के लिए और एक बार डाउन फेस करके देख, फिर आपका जो सेल पॉइंट आता है टेक एंट्री अप टू पॉइंट है, मैक्सिमम रेंज आपका 87.08 से लेके जो एक्चुअल फेज था, वापस बैक करो 87.55, मतलब 87.50 से लेके 0.08, तो ये रेंज में आप शॉर्ट सेल कर सकते हो,
यूरो आइनर को, स्टॉप लॉस यही रहेगा 87.86। ओके तो कल इस पे ट्रेड ले लो और ये स्टॉप लॉस लगा दो। ये स्टॉप लॉस कब तक रहेगा? जब तक नया डिसेसिव कैंडल नहीं बनता, ऐसे बनेगा वापस डाउन फेस करते जाओ। ठीक है, ये तरीके से आपको काम करने। ओके तो ये पोजिशनल है, खाली इतना भी पहले सीख लो, बाद में वो दो कैंडल तीन कैंडल का वो बाद में आएगा। जैसे एक्चुअल एक्चुअल देखा जाए तो ये कैंडल यूज करना है कि नहीं करना, ये किस पे डिसाइड करेगा? ये जो मार्केट नीचे से ऊपर आया है ना, ये स्विंग लो से आपको पहले क्या है? जैसे आपने कभी ये स्क्रिप्ट में ट्रेड किया ही नहीं है और फर्स्ट टाइम आप ये स्क्रिप्ट में जब आ रहे हो, तब आपको करंट ट्रेंड एनालिसिस नहीं करना है, इसका पीछे वाला ट्रेंड पहले एनालिसिस करो। मतलब एक्चुअल यूरो में जो काम कर रहे ऑलरेडी, जो काम कर रहे वो तो ऑलरेडी यहाँ पे सेल करके बैठे है, बाद में इधर अगर बाय मिला है तो उन्होंने बाय भी लिया है, और फिर अगर सेल मिला है तो सेल भी लिया है, तो उन्हें मालूम है कि ये जो सेल मिला है वो कौन से दिन मिला है, और वो दिन के बाद में दो डिसीजन कैंडल आना जरूरी है ना। तो 6 तारीख को मिला है कि पास, अभी यहाँ पे बना था 6-7 कैंडल, इसके लिए डायरेक्टली यूज कर लिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि डिसेसिव तीन तो आ ही गया है। लेकिन आपको एग्जैक्ट अगर निकालना है कि एग्जैक्ट लेवल क्या है, तो आपको जैसे दिख रहा है आप फर्स्ट टाइम वो स्क्रिप्ट में आ रहे हो, आपके पास हिस्ट्री कुछ नहीं है उसका, तो कौन से दिन ट्रेड रिवर्स हुआ, तो एक्चुअली यूरो में काम अभी आपको कैसे करना है एनालिसिस, तो जो ट्रेंड है वो नहीं है अपने सामने, ऐसा समझ के चलो। जब भी फर्स्ट टाइम बैठ रहे, खाली इतना ग्रीन कैंडल सामने रखो और फिर ये यहाँ पे तीन डिसेसिव रेड बनाए, तीन डिसेसिव ग्रीन बनाए, तो ऐसा समझ के चलो बैक टेस्टिंग की मेरे सामने इतना ही है। और आइडियली आपका डेट लेना पड़ेगा फिर 27 जुलाई, मतलब ये कैंडल से ऊपर क्लोजिंग आया है, 27 जुलाई लेंगे। यहाँ पे डेट आएगा 27 जुलाई 2021। क्यों? फर्स्ट टाइम कर रहे तो पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा ना उसका। ओके, क्योंकि कौन से दिन ट्रेड रिवर्स हुआ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। स्विंग लो आ गया, कैलकुलेट कर दिया। अभी ये यूरो का क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट डिसीसिव कैंडल बनाई है 30 जुलाई का, उसको डायरेक्टली यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैक टेस्ट कर रहे हैं, एक टेंटेटिव डेट चाहिए हमें, बराबर। तो इसका ओपन क्या है, 88.2879, तो 88.28, और वही ये कैंडल कौन से दिन का है, 30 जुलाई का, कैंडल स्टिक में देख लेंगे तो 30 जुलाई का क्लोजिंग ओके 28 था, और इधर तो क्लोजिंग आ गया है 77, तो बहुत ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो क्लोजिंग वेरीफाई हो रहा है, कितना है यहाँ पे 77 है, और वहाँ पे देख लेते क्लोजिंग क्या है कि नशे में 65, तो 65 से ऊपर आ गया ना कैंडल स्टिक का क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ओपन यूज कर सकते 88.2879, 88.28 तक अब फेस करेंगे, 88.12 आ गया, 88. ये देखो 2879 है, तो एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है रुक जाएंगे। तो इसका सेल पॉइंट क्या आ रहा है, 88.05, तो 88.05 कौन से दिन गया, तो लो देखेंगे, लो क्या बना है 88.16, देखो 87.9, तो 5 अगस्त को आपको ट्रेड रिवर्स हुआ है। फिर जैसे ही 5 अगस्त आपको डेट मिल गया ना, वो डेट इंपॉर्टेंट है कि 5 अगस्त के बाद में फिर दो डिसीसिव कैंडल बनेंगे, तीसरा बनेगा, वो सब चीज़ें 5 अगस्त दिमाग में रखना, जो भी देखना है 5 अगस्त के बाद में। तो जैसे ही आपको पता चल गया 5 अगस्त को ट्रेड रिवर्स हुआ है, तो जो लोग 5 अगस्त को भी सामने आएंगे वो भी तो 5 अगस्त को ही रात को फिर बैठ के नया कैलकुलेशन करेंगे ना, तो फिर ये स्विंग हाई से कैलकुलेशन हम करेंगे, 2 अगस्त का डेट लेंगे। तो अभी जो हमने प्रोसीजर किया था इसी में डेट चेंज कर देंगे, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। 2 अगस्त 2021 अपडेट कर दिया, स्विंग हाई आ गया, कैलकुलेट किया, तो 5 अगस्त के बाद में जब तक दो डिसीसिव कैंडल नहीं आता है, आपका स्टॉप लॉस जो है, सेल भी आपने ले लिया है तो भी 88.95 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। फिर 5 तारीख के बाद में ये 6 तारीख बना, डिसेसिव कैंडल पहला आ गया, फिर ये 9 तारीख को दूसरा आ गया, तो जैसे ही दूसरा आ गया मैं पहला यूज कर लूंगा, तो 9 तारीख को मुझे देखा दूसरा आ गया, तो फिर 6 तारीख का कैंडल मुझे यूज करना है, 6 तारीख का कैंडल यूज करने से पहले क्लोजिंग वेरीफाइड है का वो चेक करना है, तो इसका क्लोजिंग क्या है 87.85, कैंडल स्टिक में जाके चेक करेंगे, रेड कैंडल है तो क्लोजिंग नीचे आना चाहिए, तो 6 तारीख का क्लोजिंग वहाँ पे 85 था, यहाँ पे 77 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 85 से 77 कम है ना, तो कैंडल स्टिक का क्लोजिंग नीचे है, तो वेरीफाइड हो गया क्लोज। फिर अगेन है कि नशे पे जाएंगे और ये कैंडल का 6 तारीख का जो भी हाई ओपन रहेगा 88.24, वहाँ तक डाउन फेस कर लेंगे 88.24। ओके 247 आ गया, तो एक बार चेक कर लेंगे क्या है 24 एग्जैक्टली प्रिसाइजली देख लेंगे, 88.2433 है, मतलब जैसे डेसिमल के बाद का ही पकड़ो,
2433 है बराबर, और यहाँ पे क्या है 2470, तो कुछ नहीं है मतलब जीरो है आगे, ठीक है। तो इधर 2470 और हमें चाहिए 2433, इसका मतलब और एक बार डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका 6 तारीख का कैंडल यूज करके स्टॉप लॉस अभी वही आपका चेंज हो गया, 85 से सीधा 36 पे आ गया स्टॉप लॉस। ओके, तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट प्रॉफिट में आया, यहाँ पे एक रुपए का मूवमेंट होता है तो 1000 रुपया मिलता है हमें प्रॉफिट। ओके, अगर 87 से 88 हो जाएगा तो 1000 रुपया आपको बाय किया तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 10 पैसे से अगर वो मूवमेंट आता है तो 100 रुपीज हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो 85 से आपका 36 पे आ गया, तो समझो 50 पॉइंट नीचे आ गया, तो 50 पैसे आ गया मतलब 500 रुपया प्रॉफिट आपका, 500 रुपया प्रॉफिट में आपका स्टॉप लॉस आ गया। तो ये तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे इसमें। फिर अगर अगेन क्या करेंगे, 9 तारीख का सेकंड कैंडल था, सेकंड तो यूज नहीं करेंगे, थर्ड आने देंगे। 10 तारीख को जैसे ही थर्ड आ जाएगा सीधा तीसरे कैंडल को यूज कर लेंगे, यूज करने से पहले इसका क्लोजिंग वेरीफाई कर लेंगे। क्लोजिंग है 87.52 और कैंडलस्टिक में क्लोजिंग है 10 तारीख का 42, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे आ गया तो 10 तारीख का कैंडल यूज कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 10 तारीख के कैंडल का ओपन देखेंगे, इतना ही काम आपको रात को बैठ के करना है। तो ओपन क्या है 87.81, तो वेरीफाइड हो रहा है तो ही टूल पे जाएंगे, नहीं तो टूल ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो 87.8168, तो पॉइंट के बाद का ध्यान में रखो 8168, ये 9000 है यहाँ पे, 9990, 8168 ये आ गए देखो यहाँ पे, ठीक है। तो 87.81.68 से कम आ गया, 87.81 यहाँ पे 70 आ गया, तो स्टॉप हो जाए। तो अगेन वही स्टॉप लॉस जो 88.36 था अभी आपका और नीचे आ गया आपका 20 रुपये, ऐसा। ये तरीके से अभी करते जाएंगे वापस। अभी लेटेस्ट क्या स्टॉप लॉस है, तो लेटेस्ट डीसीसी कैंडल, अभी क्या है तीसरे के बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सीधा लेटेस्ट। तो लेटेस्ट अभी फिर 11 का यूज किया, अभी ये 12 का देख लेंगे कैंडल। तो 12 के कैंडल का क्लोजिंग क्या है, हमने अभी 10 का यूज किया था ना, हाँ, तो फिर 11 का भी नया बन गया। तो वापस 11 तारीख को रात को आके देखेंगे तो डिसेसिव कैंडल बना है, इसका क्लोजिंग क्या है 87.42 और यहाँ पे 87.440, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 42 से 40 नीचे ही है ना, तो वेरीफाइड है। तो 11 तारीख को भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। अभी ट्रेल होगा कि नहीं, वो ओपन वैल्यू बीच में है कि नहीं, उस पर मैटर करेगा। तो इसका ओपन क्या है 87.66 और यहाँ पे आ रहा है 87.70, तो 70 और 66 चाहिए, तो और एक बार डाउन चेक करना पड़ेगा। तो 11 तारीख को आपका और स्टॉप लॉस प्रॉफिट में आ गया। देखो आपका स्टॉप लॉस अभी प्रॉफिट में आते जा रहा है, मतलब हमने 88.05 पे शॉर्ट सेल किया था, 05 वो मिनिमम रेंज था मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 88 पे भी आप 88.08 था शॉर्ट सेल किया था। ओके, तो 88 भी पकड़ लोगे, 88.08 और ये स्टॉप लॉस आ गया आपका यहाँ पे 14 पॉइंट प्रॉफिट में आ गया और वो ऊपर का 8 पॉइंट, तो मतलब 20-25 पॉइंट आप देख लो। तो एक लॉट के पीछे आपको 250 रुपये प्रॉफिट में आपका स्टॉप लॉस ही आ गया। ओके, और मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट तो ये अराउंड ये क्लोजिंग के आसपास चल रहा है, सेल पॉइंट के आसपास जो भी है। क्लोजिंग देखो क्या है 11 तारीख का 87.42, तो 42 मतलब ये 60 रुपया हो गया और वो ऊपर का आप 10 पकड़ लो, 70 पैसा प्रॉफिट में ही आ गया स्टॉप लॉस, मतलब 700 रुपया प्रॉफिट ही चल रहा है आपको, आपका स्टॉप लॉस ही आपको 700 रुपया प्रॉफिट चल रहा है और स्टॉप लॉस 250 रुपया प्रॉफिट में आ गया। ओके, सो यहाँ से रिवर्स भी जाएगा तो भी 250 रुपया प्रॉफिट तो आपको वो लॉट में आने ही वाला है, मतलब दो लॉट लिया है एक हाफ प्रॉफिट पे निकल जाएगा। सपोज दैट आपका हाफ प्रॉफिट कम से कम 1000 रुपये के आसपास ही होता है इसमें, तो वो निकल जाएगा और बाकी जो है वो ट्रेल करते जाएंगे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको रैली मिलेगा, फिर वो एक लॉट के पीछे आपको 2000 रुपया भी मिल जाता है आराम से। ओके, सो कैरी करने के लिए लग रहा है 2500 और वही एक लॉट पे आपको 8 से 10 दिन में ही 2000 रुपया मिल जाता है, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है 8-10 दिन 5 दिन में भी हो जाता है, 1 हफ्ते में भी मिल जाता है, तो वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर में काम करने का फायदा ये है। तो करेंसी एक बेस्ट ऑप्शन है, इसके पास कम फंड है उसके लिए, वो आराम से काम कर सकते। और फिर अभी लेटेस्ट देखेंगे 12 तारीख का कैंडल, तो ये भी डिसेसिव दिख रहा है, ओपन इक्वल टू हाई है, क्लोजिंग वेरीफाई करेंगे 87.39,
कैंडलस्टिक में देखेंगे क्या क्लोजिंग है, तो 87.37, तो 39 से 37 नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसेसिव है, यूज कर लेंगे। तो इसका ओपन क्या है, 87.5465, तो 87.54 ऑलरेडी बीच में है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो स्टॉप लॉस अभी 87.86 ही है और सेल में है ये, तो आपको सेल करना है तो ये रेंज पे सेल कर सकते हो। और ये अगर ऑलरेडी मिस हो गया मार्केट नीचे तो एक बार खाली डाउन सेट करके देख लो, एक एंट्री अप टू पॉइंट है 87.08, ठीक है, तो ये रेंज में आप यहाँ पे आप सेल कर सकते हो 08 से लेके 55, फिर अगेन बैक पे आ जाओ, ठीक। तो अभी भी शॉर्ट सेल करते हो कल करो, और ये स्टॉप लॉस लगा यूरो का, और यही लेवल चलेगा अभी जब तक वो बाय में नहीं जाता है, आपका यही लेवल रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, रोज रोज करने का काम है ही नहीं, ठीक है। तो ये तरीके से पोजिशनल करेंगे, एक्सपेक्टेशन है कि सब लोग ये तरीके से करो, इक्विटी कैश में करो। अभी मार्केट में अच्छा खासा पुल बैक आया था, वापिस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है बहुत से स्क्रिप्ट में, तो आपको जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए स्क्रिप्ट देखना है कि सर अभी पोजिशनल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए स्क्रिप्ट में कैसे ढूंढू, ओके स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करूँ, तो सिंपली क्या करो है कि ना चार्ट लगा दो आपका, एक ऐसा वॉच लिस्ट बना लो और खाली उसमें देखते जाओ, अभी ये चलो ये ऊपर चला गया ठीक है, चलो इसमें अपॉर्चुनिटी मेरा मिस हो गया आपको लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे तो होता है, और आगे कितना रैली लेगा मालूम नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर, तो आप ऐसा स्क्रिप्ट ढूंढो जो नीचे गिर रहा है, तो ये टीसीएस चला गया ठीक है छोड़ दो, रिलायंस देखो चार्ट लगाओ, खाली क्लिक करते जाओ, ये देखो यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है क्या, तो ये स्विंग हाई से कैलकुलेशन करो, डाउन ट्रेंड करते आएंगे डाउन फेज, और फिर अगर बाय मिला है यहाँ पे बाय के रेंज में मिल रहा है तो उसको बाय कर लेंगे। तो जो स्क्रिप्ट नीचे गिर रहा है उसके एनालिसिस करो, उसमें आपको जल्दी बाय मिल जाएगा ना, तो ये रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में एक आ गया। फिर एक्सिस बैंक में देखेंगे तो ये थोड़ा सा पुल बैक आया था अभी नीचे, तो जो गिरने वाला है जैसे अभी बॉस है, तो ये देखो ये गिर रहा है, ओके तो ये गिर रहा है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी आएगा ना कभी रिवर्सल आएगा, तो एक दिन दो दिन चार दिन पाँच दिन जो भी आएगा, लेकिन जब भी रिवर्स होगा आपका ट्रेड उसमें रहेगा, तो आपको ऐसा एंट्री चाहिए, तो फिर गिरने वाला जो भी स्क्रिप्ट है वो एक बाजू में आप एक वॉच लिस्ट में डाल दो, और ऊपर जो जा रहा है वो एक वॉच लिस्ट में डाल दो, जो ऊपर जा रहा है उसमें 10,000 की जगह पे 5,000 का ही मान लो, और जो नीचे गिर रहा है उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे आप ज्यादा क्वांटिटी का मान लो, क्योंकि आपको ज्यादा बड़ा रह रही है। ये तरीके से आप यहाँ पे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 100-150 स्क्रिप्ट भी देखने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता, इधर क्लिक करते जाएंगे दिखेगा जो ट्रेंड में है अपने डाउन ट्रेंड में है वो एक साइड में डाल देंगे, अब ट्रेंड वाले को छोड़ देंगे, तो ऐसा भी काम किया तो भी चलेगा, ठीक है। पोजिशनल में बहुत इजीनेस आ जाएगा, मतलब जैसे कौन से स्क्रिप्ट में कल करूँ कहीं नहीं, जो इंट्राडे में कल सर पूछ रहे थे ना बराबर कि स्क्रिप्ट कैसे मैं डिसाइड करूँ किसमें मूवमेंट आएगा, तो इंट्राडे नहीं लेकिन पोजिशनल में आपको एडवांस में पता करके बैठ सकते कि किसमें कब अपॉर्चुनिटी आएगा, जब आएगा अपॉर्चुनिटी उसको इन्वेस्ट कर, ओके वो इधर कर सकते हो, और इंट्राडे में फिक्स रखो एक तो एक स्क्रिप्ट में स्टिक रहो तो वो बेटर है, और इसमें आपको डायनामिकली ऑप्शन है कि एक तो एक में ही नहीं रहना है, जिधर अपॉर्चुनिटी उधर जाके, इधर प्रॉफिट बुक हो गया आपका टीसीएस में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया तो कैपिटल वैसे ही पड़ा है तो वैसे मत पढ़ने दो ना, जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा उस दिन रात को बैठ के 10 स्क्रिप्ट देख लो ऐसा कि जिसमें डाउन ट्रेंड है या अभी अभी जस्ट एक हाथ दो ग्रीन कैंडल बना है, वैसा स्क्रिप्ट देख लो उसमें एनालिसिस करो और दूसरे दिन उसमें ट्रेड ले लो, तो आपका पैसा कैपिटल कभी भी खाली नहीं रहेगा, उसके काम पे लगाते जाएंगे तो वो रिटर्न देते जाएगा, तो ऐसा काम अगर करोगे तो 5% क्या महीने में 10-15% भी आप आराम से कमा लोगे कैपिटल, ओके। और फ्यूचर में तो फ्यूचर में अगर काम करते हैं जैसे अभी करेंसी में कोई काम करता है यूरो में, उन्हें स्क्रिप्ट चेंज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब वो बाय ट्रेड भी ले सकते हैं और शॉर्ट सेल भी ले सकते हैं, तो एक ही स्क्रिप्ट में उनका ट्रेड चलता ही रहेगा, वो एग्जिट ही नहीं रहेंगे, कभी बाय हो गया तो बाय का प्रॉफिट बुक हो गया, उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे सेल में आ जाएंगे, सेल का प्रॉफिट बुक हो गया वापस बाय में, तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है इधर जाओ उधर जाओ अड़बड़ी कर, ओके। सो करेंसी में बहुत ऑप्शन है, यूरो है, यूएसडी है, जेपीवाई है, जीबीपी, चार में से हर एक स्क्रिप्ट में दो दो लॉट से काम कर सकते हो आप, दो लॉट मतलब 3,000 रुपए में एक लॉट कैरी होता है, तो 6,000 रुपए भी है तो दो लॉट करेंसी में कर सकते हो, ठीक है। तो दो लॉट कम से कम करो, मतलब क्या एक लॉट हाफ प्रॉफिट पे निकलते आएगा और एक लॉट से पूरा रैली कवर कर पाएंगे आप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते 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 पूरा रैली आप कवर कर पाओगे, तो मिनिमम दो लॉट से काम करो, अगर वापस कैपिटल आ गया और 6,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमा लिया तो यूरो की जगह पे दो लॉट यूरो कर रहे हो तो दो लॉट यूएसडी करना चालू कर दो,
वापिस प्रॉफिट आ गया तो 6,000 रुपए प्रॉफिट प्लस आ गया, तो 2 लॉट जेपीवाई चालू, मतलब पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई करते जाओ, लेकिन पिछले पिछले स्क्रिप्ट को मत छोड़ो। तो ये तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका पोर्टफोलियो अपने आप डाइवर्सिफाई होते जाएगा और आपको उस स्क्रिप्ट का अंडरस्टैंडिंग भी आते जाए। ठीक है, ये तरीके से काम करो। और किसी का डाउट है कुछ? सर करेंसी में हम टारगेट कैसे लगाएंगे? सर कैसे लगाएंगे मतलब कुछ अलग थोड़ी है, मैंने बोला ना जो भी फेज पे आपका ट्रेड होगा वहां से 2 फेज अगर बाय है तो आप कर लेंगे, उसके हाफ प्रॉफिट पे हाफ प्रॉफिट लगा दो ना। ओके, जो भी पॉइंट रहता है उस पे लगा दो। कैसे लगाने मतलब ऑर्डर कैसे लगाने ऐसा पूछ रहे हो क्या? हाँ यस सर, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ना सर, कल भी पूछ रहे थे आप, मैंने आपको वही बताया ना। ये देखो इधर गया, ट्रेड फाइंडर इंट्राडे में मैंने दिया है ना वो लिख के, मैंने आपके लिए तो मैं बता रहा था और मैं पूछ भी रहा था सचिन सर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा था। ये देखो ट्रेड फाइंडर इंट्राडे के नोट्स में मैंने ऑलरेडी ये दिया है ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कल भी मैंने जीरो धाका डाला था वो स्क्रीनशॉट। ओके, बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, एंट्री ऑर्डर, सेल एंट्री ऑर्डर कैसे लगाना है, उसके बाद में ये देखो प्रॉफिट बुकिंग और टारगेट प्लेसिंग, तो टारगेट का ऑर्डर कैसे लगाना है, अगर बाय किया है तो सेल का ऑर्डर लगेगा और सेल किया है तो बाय का ऑर्डर लगेगा, जो भी आपका टारगेट का प्राइस है यहाँ पे डाल दो, क्वांटिटी यहाँ पे डाल दो और SL की जगह पे खाली लिमिट ऑर्डर लगेगा टारगेट पे, बाकी कुछ अलग नहीं है। ओके, तो इसमें दिया है तो एक बार गो थ्रू कर लो, आपको इसमें सब सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आपको टारगेट लगाना है तो आप नोट्स ओपन करो, देखो टारगेट का ऑर्डर क्या लगा है, क्या सेटिंग है, ओके MI से लिमिट है, प्राइस है, क्वांटिटी है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, सबमिट कर दो। सबमिट करने से पहले चाहिए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो टेलीग्राम पे, मैं ओके बोल दूंगा, तो आप सबमिट कर दो। ठीक है, मतलब एक परसेंटेज कुछ उधर पूछता ना सर, वो टारगेट परसेंटेज में क्यों जाना है, लेकिन परसेंटेज आपको मालूम है कि 10% जाएगा कि 15% जाएगा, बराबर उसके लिए तो लोग लॉस कर रहे हैं ना, उनको लगता नहीं मुझे कम से कम 20% है, अरे लेकिन वो 20 नहीं देने वाला है, अगर मार्केट 15% देके फिर नीचे जाने वाला है तो 15% ले लो ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हम सक्सेसफुल क्यों है, हम मार्केट में विनर क्यों है, क्योंकि हम मार्केट के हिसाब से चलते, हम कुछ डिसाइड करके नहीं बैठते। ओके, जब मार्केट ट्रेलिंग सरप्लस देगा मैं मेरा प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा, और जो भी है मैंने टारगेट दिया है ना आपको, 2 फेज अप करके जो हाफ प्रॉफिट है उस पे निकलूं, फिर जितना परसेंटेज आएगा उतना आएगा। ओके, तो अननेसेसरी अपने ब्रेन को तकलीफ मत दो, लोड मत बढ़ाओ, सिस्टम फॉलो करो, आराम से रहो, आपको नींद भी अच्छी लगेगी, टेंशन नहीं रहेगा। और एक पॉइंट है मनी मैनेजमेंट का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मनी मैनेजमेंट कैसे रखना है, एकदम सिंपल मनी मैनेजमेंट है, कोई बड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, जो एक्सपीरियंस हमें पिछले 12 साल से मार्केट में आए उसके बेसिस पे हमने एक मनी मैनेजमेंट आपको दे रहे कि कोई भी ट्रेड आप लेते हो मार्केट में, ओके इंट्राडे करो या पोजिशनल करो, वो एक ट्रेड में 5% से ज्यादा रिस्क आपके कैपिटल का आपको नहीं लेना है। 5% का मनी मैनेजमेंट चाहे इंट्राडे करो या पोजिशनल करो, कौन से भी स्क्रिप्ट में करो, दुनिया के किसी भी ग्लोबल स्क्रिप्ट में काम करो, आपका जो कैपिटल है उससे 5% से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड में नहीं लेना है। तो 5% मतलब अभी रिस्क कैसे पता चलेगा, तो स्टॉप लॉस कि जो भी ट्रेड आप निकालोगे जैसे इंट्राडे कर रहे हो, ओके तो कोई एक इंट्राडे का एग्जांपल ओपन कर लेते, तो स्टॉप लॉस आपका क्या होता है, जो भी बाय या सेल पॉइंट होता है, जैसे अभी मारुति का मैंने ट्रेड निकाला, ओके तो देखो बाय पॉइंट क्या है 7271 और सेल पॉइंट क्या है 7226, तो अभी इनिशियल पे इसके लिए कम आएगा वो, या निफ्टी बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं, हाँ निफ्टी पे अभी ये स्टॉप लॉस क्या है 16,246, ये बाय पॉइंट है और सेल पॉइंट है 16,210, ये दोनों का डिफरेंस यही तो आपका स्टॉप लॉस है ना, मतलब लॉस कितना होगा बाय पॉइंट और सेल पॉइंट का जो डिफरेंस है वही अपना जो रिस्क रहेगा ना, क्योंकि स्टॉप लॉस वही है बाय पॉइंट का सेल पॉइंट स्टॉप लॉस है, देखो स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, तो ये दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो
तो ये 210 है और 246 है, मतलब 36 रुपए का स्टॉप लॉस है ना आपका, बराबर। तो आपको एक दिन पहले ही मालूम है कि मुझे रिस्क कितना है, 36 रुपए का रिस्क है। 36 मतलब कितना, 36 मल्टीप्लाई बाय 50 करना पड़ेगा आपको, ओके। सो कुछ अराउंड 1800 रुपए का स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक। तो एक 1800 रुपए का रिस्क आपको ये ट्रेड में है, ये आपको पहले दिन ही मालूम है ना, ओके। सो 1800 रुपए का अगर रिस्क है तो आपको क्या करना है कि मेरे पास कैपिटल कितना है, समझो सर मेरे पास 1,00,000 रुपया कैपिटल, 1,00,000 रुपया है, तो आपको 5% से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड में नहीं लेना। तो 1,00,000 रुपए का 5% कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क लो ना, तो यहाँ पे क्या है, एक लॉट से काम करेंगे तो 1,800 रुपये जाएगा, बराबर। दो लॉट से काम करोगे तो 3,600 रुपये जाएगा, तीन लॉट से करोगे तो 5,400 रुपये जाएगा आपका। तो अभी आप डिसाइड करो कि ठीक है भाई 5,400 या फिर 3,600 रुपये, अभी वो देखो। तो ठीक है 5,400 कर लेंगे, तो तीन लॉट से काम करने आप। और कभी कभी वही स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में अगर 60 रुपये का स्टॉप लॉस आ गया, ओके, या फिर समझो आपने दो लॉट से आप काम कर रहे हो, ठीक है, दो लॉट से आपने काम किया, और यही स्टॉप लॉस अगर आपका अभी 30 रुपये का है और बाद में अगर 60 रुपये का आ गया, तो उस दिन क्या करेंगे, एक दिन पहले ही मालूम है ना कि कल तो रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है, तो दो लॉट की जगह पे एक लॉट से ही काम करो उस दिन, बराबर। ये तरीके से आप मनी मैनेजमेंट करो कि अगर मेरा कोई स्टॉप लॉस जाता है तो 5% से ज्यादा रिस्क मुझे नहीं लेना, कम लोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कम तो और बढ़िया है, ओके। तो 3% से लेके 5% तक ही रिस्क लो, उससे ऊपर रिस्क एक ट्रेड में नहीं लेना है, उतना ही क्वांटिटी मुझे लेना है, ओके। कल भी मैंने वो बताया था, तो जैसे एक्सिस बैंक में 57 और 61 कितने रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है, ओके। आप 5 रुपए का पकड़ के चलो, 5 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आ रहा है और मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरे पास अगर 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपये का 5% कितना होता है, 500 रुपया। तो एक ट्रेड में 500 रुपये से ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो लॉस नहीं होना चाहिए, बराबर। तो क्या करेंगे, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, एक शेयर के ऊपर 5 रुपया माइनस होगा, मैं 500 का रिस्क ले सकता हूँ। तो आप 100 क्वांटिटी से काम करो ना, क्या, ओके। तो कल 100 क्वांटिटी से काम करो एक्सिस बैंक में, तो जाएगा तो 500, आएगा तो 1,000। और परसों के दिन हो गया कि यही स्टॉप लॉस आपका 10 रुपए का दिख गया आपको, तो 10 रुपए रोको, कंप्लीट होने 10 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आपको दिख रहा है, बराबर, और उस दिन भी आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, तो ट्रेड लेने के बाद में मत पछताओ, पहले ही हमने निकाल के रखा है, आपको मालूम है कल 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, दिख रहा है, तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कल मुझे कितना क्वांटिटी लेना पड़ेगा, तो मुझे 100 के जगह पे 50 क्वांटिटी से काम करो, मतलब जाएगा तो 500 ही जाएगा और आएगा तो उसी रेशो में आएगा। तो ग्रिड में मत अटको कि टारगेट सर आज तो टारगेट बड़ा है, तो आज मुझे 500 के जगह पे, मतलब 1,000 की जगह पे 2,000 प्रॉफिट आएगा, लेकिन रिस्क भी तो देखो, उस दिन अगर स्टॉप लॉस चला गया तो पिछले 2 प्रॉफिट का एक दिन में गवा कर दूंगा। सर मेरा ये, हाँ सर जी, सर मेरा ये अनुभव है कि मतलब जैसे आप लोग स्टॉप लॉस है जो भी मतलब बताते हैं, तो क्या होता है कि उसी दिन ट्रेड में स्टॉप लॉस पहले छू देता है, उसके बाद में हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में टारगेट हिट कर देता है। हाँ तो ऐसा ये आपके साथ क्यों होता है, तो वही तो मैंने कल रीजन बताया ना कि स्टॉप लॉस, मैंने कल इस पे बात भी किया ना सर कि क्या होता है कि सर मार्केट ऐसा करता है कि मेरा ही स्टॉप लॉस लेता है और उसके बाद में ऊपर जाता है, क्यों, क्योंकि आप ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट आपको मालूम ही नहीं होता। हम हमारे हिसाब से कुछ तो भी स्टॉप लॉस लगाते, तो 757 के ऊपर जितना भी स्टॉप लॉस लगाओगे लोग तो उठा लेंगे ना आपका माल, क्योंकि उनको दिख रहा है, क्योंकि 757 जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस है 757 और बाय पॉइंट था 761। अभी क्या हुआ कि ऑलरेडी बाय हो गया है मार्केट में, और मैं 9:30 के समझो 10 बजे बाय मिला, मैं 10:30 बजे आया, मैंने देखा अरे एक्सिस बैंक ने तो बाय ले लिया है, लेकिन अभी रेट क्या चल रहा है, तो अभी रेट चल रहा है उसका सपोज दैट, या फिर एक बंदे ने ऑर्डर सामने से लगाया है कि 758 का उसने स्टॉप लॉस लगाया है, ओके, 61 पे बाय करके 758 का स्टॉप लॉस लगाया है, तो मैं देखूंगा अरे स्टॉप लॉस तो 757 का है, तो 758 पे अगर मुझे माल मिल रहा है तो 1 रुपए के स्टॉप लॉस पे मुझे ट्रेड करने मिल रहा है ना सर, बराबर। तो मैं उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा, तो आपका ऑर्डर सामने से जैसे ही दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन ऑर्डर क्या है, ओके, ये 758 पे भी लोग बेचने के लिए रेडी है, तो मैं तो खरीद लूंगा ना आपसे, लेकिन वही आप 756 पे लगाओगे ऑर्डर तो मैं थोड़ी बाय करूंगा, क्योंकि 757 के बाद में मैं खुद सेल करने वाला हूँ,
तो उससे नीचे वाले ऑर्डर को मैं थोड़ी बाय करूंगा, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं। ओके, तो ये इसमें लॉजिक है। ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट के नीचे लगाओगे तो क्यों जाएगा स्टॉप लॉस, लेकिन कुछ भी लगाओगे उससे ऊपर एक पैसा भी लगाओगे तो सामने से बंदा उठा लेगा आपके ऑर्डर। ओके, ये होता है सर। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, समझ नहीं। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बेस्ट है ना। और कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है सर, जो इंडिकेटर लगा के काम करते हैं ना उनको पूछो, कंटिन्यू मार्केट देखते बैठते, वॉशरूम जाना है तो भी नहीं जाते, खाना नहीं चल रहा है, वो क्या पैनिक जोन है वो उनको ही मालूम। और हमने इतना इजी किया है मार्केट को, इतना इजी एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, खाली ये आपके मन में डाउट, इसके लिए आप पूछ रहे हो कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगा। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, जैसे आपने बताया जैसे डिसीजिव कैंडल, अब उसके सिलेक्शन में अगर हमारे से गलती हो गई और अब आप जैसे बोल रहे कि रिवर्स करते जाओ या फॉरवर्ड करते जाओ, तो फिर वो मतलब वो चीज है ना सर, मतलब एकदम जैसे मतलब क्यों गलती होगी सर। ट्रेनिंग का सोल क्या है, डिसीजिव कैंडल ढूंढना, वो दो कंडीशन जो कैंडल मैच कर रहा है वही तो ट्रेनिंग का मेन पॉइंट है ना, तो वो तो प्रैक्टिस से आएगा ही ना, मैं क्यों गलत हो। ठीक है, और कई एक आध दिन गलत भी हो गया हड़बड़ी में तो क्या होगा, एक स्टॉप लॉस जाएगा, उसके बाद में नया ट्रेड मिलेगा, तब वापस आप लोग भी बाय ट्रेड के लिए कैलकुलेशन करेंगे, हम भी बाय ट्रेड के लिए करेंगे, तो अपने आप तो सेम आने वाले हो ना, तो उससे डरना नहीं है। नेचुरल गैस का पण ट्रेंड चेंज झाला आहे का, आता रेड रेड दाखवतायत एक दोन कैंडल्स, तर जरा पटकन बघून सांगता येईल का जरा, म्हणजे कैलकुलेशन नाही केलं तरी चालेल। बिना कैलकुलेशन के कैसे बता पाएंगे कि ट्रेंड रिवर्स है, ऐसा होता तो फिर क्यों टूल 8 साल क्यों लगाते टूल डेवलप करने। सर मैं एनजी का थोड़ा देखना था। आपका जो ट्रेंड है ना वो आपके पास टूल है, सब चीजें आप कंफर्म करो, आपको लग रहा है मेरा से लेवल सही है कि नहीं, आप मुझे पूछो ना, आपका कैंडल जो है उस पे कर्सर रखो, मुझे सेंड करो, मैंने बोल दिया कि सही कैंडल है, क्या प्रॉब्लम है, आपका लेवल क्यों गलत जाएगा। हेलो सर, आपको लग ही रहा है कि मेरा कैंडल अगर गलत जाएगा, आज अक्षय सर आगे से वेरीफाई कर लो, क्या प्रॉब्लम। हेलो, आज एक्सिस में टारगेट भी नहीं है और स्टॉप लॉस भी नहीं कटा सर। हाँ तो अच्छा है ना सर, कंसोलिडेशन वाले दिन ट्रेड नहीं मिला तो भी अच्छा है ना, लेकिन बाकी लोग देखो जो चार्ट वगैरह इंडिकेटर लगा के काम कर रहे हैं उनके दो दो स्टॉप लॉस गए। किसी भी ब्रोकर के हाउस में कल जाओ जो सामने से ट्रेडिंग करते हैं, उनको पूछो एक्सिस बैंक में क्या हुआ। ओके, वो ज्यादा लॉस करके बैठे, और हमारा सिस्टम ही ऐसा है ना कि मार्केट में मूवमेंट नहीं मिलना चाहिए, तो यही तो खासियत है। ओके, ट्रैप में नहीं अटकते, और पैसा कमाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, फुल ट्रेडिंग नहीं मिलेगा, दे रहे हरी खाटला हो रही है ऐसा मराठी में बोलते है, तो उसको जगह पे बैठ के ही सब चाहिए। ओके, तो पैसा डबल करना है एक महीने में तो इतना काम करना ही पड़ेगा, रोज रोज मुझे वो चीजें रिपीट करने के लिए मेरा टाइम वेस्ट होता है। कल मैंने ये समझाया, स्टॉप लॉस का भी समझाया, और मैं इंजीनियरिंग का भी मैंने बताया कि मैंने इतना टाइम दिया सीखा तब जाके मैं इतना काबिल हुआ कि 40,000 महीना कमाऊं, यहाँ पे करना है तो सर वो करेक्शन का समझ में नहीं आया सर। कौन सा, कल वो आपने करेक्शन वाला समझाया था ना। हाँ, वो समझ में नहीं आया सर। ठीक है ना, जाने दो ना, उसको क्या है, सुबह का लेवल मैच करने के लिए करेक्शन की करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो लाइव मार्केट पे ट्रेड लेने के बाद में वो करेक्शन का कंसेप्ट आपको इम्पोर्टेंट है जब ट्रेंड चेंज होता है। तो जैसे आज हमने क्या किया, पोजिशनल में ट्रेंड चेंज हो गया तो हमने क्या किया, जैसे स्विंग हाई से कैलकुलेशन किया था, डाउन फेज में आए बराबर, और जैसे ही बाय मिल गया तो हमने क्या किया, स्विंग हाई का कैलकुलेशन छोड़ दिया और स्विंग लो से कैलकुलेशन किया कि नहीं, बराबर। यही इंट्राडे में करना है आपको, उसको ही करेक्शन बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि हम एंड डेट नहीं चेंज कर पाते क्योंकि उसी दिन हमें वो करना है ना, बराबर। और पोजिशनल में क्या होता है कि इधर डेली का कैंडल है तो सीधा नया कैलकुलेशन कर सकते, लेकिन पोजिशनल इंट्राडे में क्या होता है कि 12 तारीख को मैं बैठा हूँ, 11 तारीख को मैंने लेवल निकाला, मार्केट में स्विंग लो था, आज मुझे बाय मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल भी ग्रीन कैंडल देख रहा था, आज भी ग्रीन देख रहा हूँ, लेकिन कल मुझे अगर सेल मिल जाता है, मतलब आज सुबह मुझे सेल मिल गया और कल मैंने कैलकुलेशन किया था स्विंग लो का यूज करके और मुझे मिला है सेल, जैसे पोजिशनल में मैंने बताया, तो अभी मुझे स्विंग चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन उसमें एंड डेट नहीं चेंज कर सकता क्योंकि 12 का डेट में दे ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। शाम को जाके आप अगर चेक करोगे तो वो स्विंग हाई लेगा,
लेकिन वो शाम को लेगा, लेकिन ट्रेड तो मुझे अभी लाइव में मिला है ना, लाइव में कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग हाई है तो हाई दिखेगा, लो है तो लो ही दिखेगा, लेकिन चार्ट पे जो स्विंग बना है उसको लाएंगे यहाँ पे, तब तक डाउन फेज या अप फेज करते जाएंगे, जब वो वैल्यू यहाँ पे आएगी तो स्विंग हाई या स्विंग लो जो भी है यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा तो अपना वो इनिशियल फेज हो गया, फिर वहां से ग्रीन कैंडल की जगह पे रेड कैंडल देखना, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आज पहले पोजिशनल क्यों लिया कि वो पोजिशनल समझ में आया तो करेक्शन का इम्पोर्टेंस और वो सिस्टम आपको समझ में आए। ओके, पहले से करेक्शन में जाऊंगा तो फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बाय ट्रेड लिया है तो स्विंग लो वाला कैलकुलेशन यूज करना है, और सेल ट्रेड लिया है तो स्विंग हाई वाला कैलकुलेशन आपको यूज करना है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत हो, पूरा 5 दिन में ही आप पूरा खाने जाओगे तो तकलीफ हो जाएगा, लेकिन मेरा काम है कि जो है वो सब डिलीवर करना है ना, बराबर। तो ऐसा नहीं है आपके हिसाब से चलूंगा फिर लोगों में और हम में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, मैं वही बोलूंगा जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं आएगा ना, बराबर। और आपके पास तो 1 महीना पड़ा है ना पूरा, फिर इस 5 दिन में ही आप एक्सपर्ट हो जाते सर, तो मुझे 1 महीना आपको टेलीग्राम पे ट्रेड देना है, आपको स्टाफ असाइन करना है, उसके लिए बंदा बिठाना है, उसको सैलरी देना है, मैं क्यों ये मेंटेनेंस करूं फिर? लेकिन मुझे मालूम है ना, ये हम लोग इतने साल से कर रहे हैं तो मुझे इजी लगेगा, कोई बंदा 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है उसको इजी लगेगा, लेकिन जो नया है उसको अभी नहीं लगेगा, लेकिन वो जब भी वो बंदे के साथ में रोज बैठेगा करेगा 5 दिन में सीख जाएगा, कोई 10 दिन में सीखेगा, कोई 15 दिन में सीख जाएगा, महीने भर में तो कोई भी सीख जाएगा सर, लेकिन आपको वो रोज का आधा घंटा निकालना है, वो आप अगर नहीं निकालोगे तो कैसे सीखोगे फिर आप? ओके जी सर। हाँ, तो ऐसी सोच जिसकी है, जिसका लर्निंग अप्रोच है नहीं और जिसको तुरंत पैसा कमाना है, तो उसके लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर ऐसा आदमी ढूंढो जो बोलेगा मेरे पास पैसा दे दो, मैं ट्रेडिंग करूंगा, आपको कमा के दूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग दूंगा। वैसे लोगों के पास जाओ, जाओ और करके देखो, तो ऐसे सोच वाले लोग ही उनके कस्टमर बनते हैं, और करके देखो क्या होता है। ऐसा अगर कोई रहेगा तो बड़े बड़े इतने लोग है जो खुद ट्रेडिंग करते, बराबर, पॉलिटिशियंस भी है वो खुद रोज ट्रेडिंग करते, खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका पैसा तो पूरा उनको ही दे देंगे ना। अभी म्यूचुअल फंड वाले इतना सैलरी देके वो बैठा थे वहां पे एनालिस्ट, तो ऐसा कोई बंदा मिल गया तो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड है, बोले भाई वर्ल्ड में है नहीं कोई, रहेगा तो पूरी दुनिया उसके पास जाएगी। ठीक है, हर एक का पैसा हर एक को कमाना है, ध्यान। ठीक है, जिसको जो चाहिए वो उधर जाओ। दूसरा है कि नहीं सर कुछ नहीं करना है, खाली टिप्स चाहिए, तो जाओ टिप्स वाले के पास। कौन से टिप्स वाले ने कमा के दिया है सर? कोई कमा के भी देगा तो पूरे सब लोग उधर ही भागेंगे ना, लेकिन नहीं होता है वो। तो जो टिप्स वाला होता तो वो खुद लगाता ना पैसा, वो बराबर। अभी कैसे बोले आप, बराबर नहीं, वो खुद तो लगाएगा लेकिन उसको भी तो बिजनेस चलाना है ना, क्योंकि शेयर मार्केट आपका सेकेंडरी इनकम सोर्स ही रहना चाहिए, प्राइमरी इनकम सोर्स रहेगा तो ही मार्केट में लगा पाओ। जैसे आप मुझे भी पूछोगे फिर, आप तो सर इतना कमाते हो, बताते हो महीने में 100% आ जाएगा, इतना आएगा उतना आएगा, फिर आप वही करो ना, आप इतना ट्रेनिंग देने क्यों बैठो, पूछोगे आप, बराबर। कोई भी आता है एरा गेरा पूछ के जाता है तो बोलता है हमें मत सिखाओ, इतना है तो खुद ही कमाओ। उसको मालूम नहीं है भाई, तू खुद कमा के दिखा, पूरा लायबिलिटी मार्केट के ऊपर डाल दे और मार्केट ऐसे प्रॉफिट कमा के दिखा, फिर बताओ। तो फर्स्ट इनकम सोर्स है तो ही आपको रिस्क लेने का कैपेसिटी आता है और फिर आप मार्केट में रुक पाते हो। ओके, मार्केट लायबिलिटी हो गया तो प्रॉफिट वाला ट्रेड ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पैनिक कराएगा। या फिर दूसरा एक कंसेप्ट मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, बराबर, तो समझो अभी मैंने किसी कंपनी में, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, तो मैं अगर उसे बेच दूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि कल अगर उसका बोनस आ गया या डिविडेंड आ गया तो मुझे नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, बराबर। तो मैं उसको उससे निकल नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरा बिजनेस बन गया। अभी अगर मैं उसमें मेरा 10% कैपिटल किसी स्ट्रिप में डाल रहा हूँ तो मतलब वो मेरा बिजनेस ही बन गया है, तो मैं उसमें से लाइफ टाइम नहीं निकलना चाहता। लेकिन अभी क्या हो गया कि मेरे घर पे समझो मेरे बच्चे को मुझे एडमिशन लेना है स्कूल में और मुझे 2 लाख रुपया लग रहा है, 1 लाख रुपया लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा चलो यार रिलायंस का 1 लाख का शेयर बेच दो, 10 लाख था उसमें से 1 लाख रिलायंस का बेच दिया, इधर फीस भर दिया, और पता चला कि रिलायंस अगले ही 5 दिन में 10% का बढ़ गया, फिर क्या करूंगा? तो मुझे तो उसमें निकलना ही नहीं। या फिर रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 3 साल से मैं उसमें बैठा था,
तो 1:1 बोनस नहीं मिला और 3 साल के बाद में जब 1:1 बोनस मतलब क्या, एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको फ्री मिल जाता है बराबर, 100 शेयर है तो 200 हो जाता है आपका, तो आपका कैपिटल एक दिन में डबल हो गया, लेकिन मैंने उसके पहले ही दिन उसको बेच दिया था। हाँ बताओ 3 साल वेट करने का मतलब क्या रहा, क्योंकि 3-4 साल में एक ही बार ऐसा होता है। ओके 2-3 साल तो जैसे पावर ग्रिड में अभी मिला, सब लोग बोल पावर ग्रिड गिर गया सर गिर गया सर, अरे ब्लू चिप कंपनी है कहीं नहीं जाएगा। ओके इतने साल से वो टॉप 50 में है, लेकिन सर वो तो 25% गिर गया, अरे टेंशन मत लो, गिर गया मतलब कुछ तो भी कर रहे पॉलिसी। ओके ब्लू चिप जो कोर इन्वेस्टर है, और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकल दो, आधा माल खाली कर दो। लेकिन आज क्या हो गया, कोई पावर ग्रिड ने बोनस डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें जो 20 शेयर दिख रहे थे वो 20 के जगह पे अभी 40 दिखने लगे, और वही जो अकाउंट माइनस में दिख रहा था वो अभी उससे कई गुना प्लस में दिखने लगा। फिर ये होता है ना, तो अभी मैं वही सोच के निकल देता। तो एक बार मैंने इन्वेस्ट कर दिया ₹1,00,000, तो नया अगर स्क्रिप्ट है TCS मुझे इन्वेस्ट करना है, तो अभी पैसा कहाँ से लाऊं मैं, रिलायंस का बेच के TCS में डालू और पता चला TCS नीचे गया और रिलायंस ऊपर, तो नया ₹1,00,000 मुझे कमाना पड़ेगा और मार्केट में डालना पड़ेगा। तो इधर तो जितना डालोगे उतना कम है ना। कोई बंदा बोलता है मैंने ₹1,00,000 रख के उसका 7,000 करोड़ बनाया, मतलब उसका 1,00,000 का 7,000 करोड़ बना के, वैसा कौन सा स्क्रिप्ट है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। या फिर 1,00,000 इधर नहीं, जैसे ही आते गया है, दूसरा बिजनेस था उसके आते गया, वो अपॉर्चुनिटी लेते गया, काम करते गया और स्टेप बाय स्टेप पैसा मल्टीप्लाई हो। ओके तो फर्स्ट इनकम सोर्स ऑलवेज नेसेसरी है, मार्केट आपका सेकेंडरी इनकम सोर्स ही रहेगा। एक बार ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि कुछ कैपिटल डिसेंट कैपिटल आप ट्रेडिंग के लिए भी रखोगे और इन्वेस्टमेंट में भी आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको हाथ ही नहीं लगाना है, तब जाके आप प्राइमरी इनकम सोर्स ट्रेडिंग को बना सकते हो और सेकेंडरी इनकम सोर्स इन्वेस्टमेंट को बना सकते हो। तो वो लेवल पे आ जाओ फिर। ओके फुल टाइम ट्रेडर बनना है सर। फुल टाइम ट्रेडर भी बनोगे ना तो फुल टाइम मार्केट के सामने मत बैठो सर, भले आप मूवी लगा दो कुछ लगा दो लेकिन मार्केट के सामने मत बैठो, बैठोगे तो फिर फुल टाइम तो प्रॉब्लम ही हो। और लाइबिलिटी अगर मार्केट बन गया आपका, जैसे मतलब आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, ओके 2-4 महीना आपने कमाया, फिर आपको लग रहा है अरे मेरा सैलरी तो है ₹20,000 लेकिन मार्केट से मैं अभी हर महीना 40-50 हज़ार कमाने लगा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं है, तो आप क्या करोगे, जॉब क्विट कर दोगे बराबर। और तीसरे महीने जब मार्केट के सामने बैठोगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि मुझे 1 महीने में ₹25,000 आना ही चाहिए, नहीं आया तो मेरा घर नहीं चलेगा, नहीं आया तो मेरा ये जो इंस्टॉलमेंट है वो होम लोन का कार लोन का वो नहीं जाएगा। तो फिर क्या करोगे आप, समझो उसी महीने में कंसोलिडेशन है और आपको एंड ऑफ द मंथ तक आप 30-40 हज़ार कमा रहे थे और ये महीने में क्या हो गया कि आपको सिर्फ 15,000 ही प्रॉफिट दिख रहा है। अभी आपको तो इंस्टॉलमेंट भी आ गया 25 तारीख को, ये भी आ गया, अभी आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो 2 दिन में कैसे भी 10,000 आना ही चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप गलती करना स्टार्ट कर दोगे, गलती हो जाएगी। हाँ फिर उसमें से जितना कमाने जाओगे ना उतना खुद आप गड्ढा खोदते जाओगे और वो 10,000 नहीं आएगा, जो 15 कमाया है वो भी चला जाएगा, क्योंकि आप ब्रेक करोगे। या फिर बोलोगे सर नहीं ऐसा ट्रेड बताओ 100% श्योर रहेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अभी 100% श्योर तो मार्केट में कुछ है ही नहीं, 99.9% श्योर में आपको बोल सकता बराबर, अभी सर ऐसा है तो नहीं मैं अभी लॉस नहीं कर सकता। फिर आपके मोबाइल पे टिप्स आता है जैकपॉट ट्रेड श्योर ट्रेड 100%, फिर जाओगे वो टिप्स वाले के पास में, वो टिप देगा ट्रेड करोगे एक दिन में 15,000 भी चला जाएगा, अभी 15 भी चला गया 10 भी नहीं आया, अभी कमाना है 25, अभी क्या करूं, फिर लोन उठा लिया कहीं से, नहीं नहीं फिर क्रेडिट कार्ड से लोन उठा लिया, वो ऑप्शन तो पड़े ही रहते अपने मोबाइल में तभी याद आते हैं हम बराबर, वो रोज आपको करते हैं इंटीमेट। फिर लोन उठा लिया 50,000 का, वो डाल दिया, लाइबिलिटी और बढ़ गया, अभी ट्रेड फाइंडर रह गया बाजू में और आपका दूसरा ही काम शुरू हो गया। फिर आप इतने, फिर इसमें लोग इतना ये हो जाते चैलेंज करते मार्केट को, नहीं अभी लॉस हुआ है ना मार्केट से ही निकालूंगा, निफ्टी में हुआ है ना तो निफ्टी से ही निकालूंगा, फिर वो ट्रेड निकालते ही नहीं, उसको एवरेज करते रहते, फिर एवरेज करने के लिए और 4 लाख का लोन उठाया और निफ्टी नीचे गिरा और उसको MTM दिखने लगा ₹2,00,000, अभी बुक कर लूंगा तो क्या हो जाएगा ये 2 लाख तो पूरा लॉस बुक हो जाएगा वापस से ऊपर, नहीं नहीं ये आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ना, तो क्या करेंगे उसको एवरेज करने के लिए 4 लाख है ना और 5-6 लाख का कहीं से जुगाड़ करेंगे। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे कि एक ट्रेड लिया था उसमें रिस्क था ₹3,000 का और प्रॉफिट लेना था ₹5,000, लेकिन उसको निकलना नहीं था तो वही जो ₹3,000 का रिस्क भी नहीं लिया आज ₹3-3 लाख लॉस में बैठे,
निफ्टी में शॉर्ट सेल करके बैठे, ट्रेनिंग तो लिया ही था लेकिन अपना दिमाग यूज करना है ना, मार्केट को चैलेंज करना है। अभी बोलते कि सर तभी अगर आपका सुन लेता और मैं बाय करके बैठ जाता तो आज यही 3 लाख रुपए लॉस दिख रहा है, वो 3 लाख प्रॉफिट दिखता उसको। लेकिन पहली बात तो 3 लाख प्रॉफिट तक तो वो ट्रेड रखता ही नहीं वो निकल जाता, निकल जाता 3000। ओके हाँ, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुए तो क्यों नहीं रहो, रहोगे उसने अपने आप। ओके तो ये चीज है, अभी ये तो आपके हाथ में ना, बराबर, हमने तो सब बता दिया। और लोग गलती करते और गलती करने के बाद हमें बताते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं मैं सही हुई है, जब भी प्रूव हो जाएगा तो ही सर को बताऊंगा। अभी कमिट कर दोगे कि सर ऐसा ऐसा गलती हुआ है, अभी मैं ऐसा पैनिक नहीं हूँ, तो हम बताएंगे अभी क्या करना है आपको। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ट्रैप में आ गया हूँ, मैं खुद ट्रैप में फंस गया हूँ, मतलब यहाँ पे कैसे आपको ट्रैप डालना है, लोग फंसेंगे, वो लॉस करेंगे, आपकी जेब भरेगी। लेकिन आपको जब भी फीलिंग आएगा कि मैं खुद ही ट्रैप में अटक गया हूँ, तब क्या करना है, जो भी लॉस है वो देखना नहीं है, सीधा स्क्वायर ऑफ बटन, मतलब जो भी ट्रेड है उसको जीरो कर देना है, लॉस बुक कर लेना। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब कमिट कर लो अपना हार और निकल जाओ, कैपिटल सेफ रखो। ओके तो हमारे हिस्ट्री से हमें क्या सीखना है, हिस्ट्री से यही सीखना है, वो कहानी पढ़ने के लिए, खाली शिवाजी महाराज या श्री कृष्ण का वो कहानी पढ़ने के लिए नहीं है, उन्होंने भी यही किया ना, बराबर। जब भी लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ तो भाग जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापिस से स्ट्रेटेजी बनाते थे, प्लानिंग करते थे, और फिर जब आते थे तब विन हो जाते थे। और आप अगर आप बोलोगे नहीं इसमें, तो फिर अकेला बंदा है फिर भी वो लड़ रहा है, तो मतलब नहीं, वो वहीं पे मर जाएगा और बाद में सब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी सर। ओके ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे हो गया सर। कल अभी क्या करेंगे, करेक्शन जो मैंने आपको बोला था, आज का सेशन रिवाइज करो, सब लोग सुनो वापिस एक बार, ठीक है, मतलब ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, पोजिशन में क्या, वो थोड़ा दिमाग में आ जाएगा आपके, और उसके ही बेसिस पे कल मैं इंट्राडे का करेक्शन का कंसेप्ट लूंगा, और कल पूरा इंट्राडे का प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो हमने इंट्राडे सीखा है ना, तो इंट्राडे का कहाँ तक हमने सीखा है, अभी एंड डेट लेना, इनिशियल फेज निकाल के करंट फेज निकालना, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो डिसेसिव कैंडल देख, बराबर। और फिर कल हमने देखा था कि लाइव मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है तो ट्रेड कैसे लेना है, ओके वो चीज देखा था। और अभी कल हम देखेंगे कि अगर ट्रेंड चेंज होता है तो करेक्शन कैसे करना है, वो चौथा कंसेप्ट आ जाएगा। ओके तो एक्चुअली तीन ही कंसेप्ट है, एक करंट फेज निकालना, एक लाइव मार्केट इम्प्लीमेंटेशन और एक करेक्शन। तो तीसरा कंसेप्ट जब करेक्शन का हो जाएगा तो आपका इंट्राडे का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं आके करेक्शन कंसेप्ट बताऊंगा, और करेक्शन कंसेप्ट जैसे ही पहले हाफ एन आवर में हो जाएगा, फिर उसके बाद में पूरा 1.5 घंटा हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे का ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके तो मंडे से आपको इंट्राडे ही करना, तो अगेन वापस कल आपको रिवाइज हो जाएगा, तो रिवाइज हो जाएगा तो और आपको ईजी लगने लगेगा। तो जो लोगों ने लिया है टूल उनको भी प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा, आज का दिन भी उनको मिलेगा, और जिन्होंने नहीं लिया है वो एटलीस्ट जो सेशन है इंट्राडे का, मतलब पहला सेशन तो बेसिक वाला है जाने दो, दूसरा तीसरा ओके वो रिवाइज करके आओ, और आज का चौथा है, ठीक है आज का तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट दूसरा और तीसरा सेशन सबको रिवाइज करना है कल जी। ओके दूसरा और तीसरा मतलब इंट्राडे, और फिर कल आना है तो आपको और इजी लगेगा। तो थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो समझ में आएगा, होमवर्क करके नहीं आएंगे तो फिर सब नया ही लगता है, ठीक है। सीखने की चाह कितनी है तो आप टाइम अपने आप निकलता है। सर जिनको आईडी पासवर्ड मिला है उनको सपोर्ट जो चैनल है उनमें ऐड कर दीजिए ना। हाँ अभी नहीं ना सर, क्यों क्या होता है वो चैनल में आप कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका लेवल मैच नहीं, जैसे आज देखो घनश्याम सर ने लेवल भेजा ओके, करेक्शन का कंसेप्ट था तो मैच नहीं हुआ, तो मैंने थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया, वीडियो भी भेजा नहीं समझ में, तो क्या हो जाएगा अननेसेसरी, आप तो पूरा कंसेप्ट एक बार आपको डिलीवर कर दिया ना तो मुझे ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं। तो कल जैसे ही करेक्शन खत्म हो जाएगा मैं कल ट्रेनिंग होते ही जिन जिन लोगों ने आईडी लिया है सबको मैं रात को ही ऐड कर दूंगा, मतलब आपको सैटरडे संडे का जो टाइम है उसमें आपको प्रैक्टिस करते आ रहा है बैक टेस्टिंग, मतलब सैटरडे को बैठ के क्या करना है, फ्राइडे का लेवल निकाल के देखो, तो फ्राइडे का लेवल निकालना है तो क्या करेंगे, थर्सडे से पिछले 10 दिन का डेट देंगे ना, मतलब 13 तारीख का निकालना है तो 12 तारीख का डेट देके देखो, 13 का चार्ट अपने सामने नहीं है, ऐसा समझ के आप लेवल निकालो, तो
मेरा आपका लेवल मैच होता है क्या? मैच हो गया मतलब सही जा रहे हो, नहीं मैच हुआ तो मुझे भेज दो, सर मैच नहीं हो रहा है, मैं बोलूंगा डिसेसिव कैंडल भेजो, चेक कर लूंगा। तो ये जो बैक टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, मतलब आज भी बैठ के आप देख सकते हो कि 5 अगस्त को क्या ट्रेड था, तो क्या करना है 4 तारीख का डेट देना है ना, बाकी क्या करना है, 4 तारीख का डेट दे के 5 तारीख का चार्ट नहीं है, इतना चार्ट आगे ढकेल देना है और सिर्फ 4 तारीख का 3:30 बजे तक का लास्ट का कैंडल तक चार्ट सामने रखना है और वहां तक का डिसेसिव कैंडल क्या है वो देखना है, उसको मैच करना है और फिर जाके चेक करना है ग्रुप पे भी वही था क्या 5 तारीख को सुबह 7 बजे और मेरा वही आया क्या, वही आया मतलब सही जा रहे। तो ये तरीके से प्रैक्टिस आपको करने मिलेगा सैटरडे संडे, यूटिलाइज हो जाएगा। ओके सर। सर हाँ बोलिए। सर एक बार ये अपन टूल सॉफ्टवेयर पे अपने पे बाटा इंडिया का एक बार चेक करके बताओगे सर? सर टाइम तो हो गया ऑलरेडी, और देखो अभी एक सर नेचुरल गैस बोल रहे थे, आप बाटा इंडिया बोल रहे हो, थोड़ा रुक जाओ ना उसमें, अभी आपके पास भी है, आप निकालो ना बाटा इंडिया का, आज का जो मैंने आपको टेस्ट पे करके बताया वैसे ही आप बाटा इंडिया में कुछ तो भी करो, छोटा मोटा जो भी है सर, मैंने जो भी करा है, लेकिन मेरा मेरी बात सुनो, करा है लेकिन उसमें सही नहीं आ रहा, तो मैं एक बार आपसे और बराबर है, बराबर है सर, अभी आपने जो किया है वो सही आया है कि नहीं आया है ये आपको कैसे पता चला, किसने बताया आपको कि आपने जो किया है वो गलत है, किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया, थोड़ी देर पहले जब आप कर रहे थे ना तो मैं भी कंप्यूटर पे कर रहा था, तो वो मेरा कांसेप्ट बिल्कुल गलत आ रहा था, तो आप कंप्यूटर पे आपने अभी आप शायद आपका सही भी होगा ना सर, गलत आया ऐसा कैसे बोल सकते हो, शायद सही भी होगा तो क्रॉस चेक करोगे मुझसे तो अपने आप वो सही हो जाएगा, तो आप क्या करो, हाँ तो ये टाइम थोड़ी होता है, ये जो आप अभी काम कर रहे थे ना वो सबसे गलत काम है, मतलब ना आपका ट्रेनिंग में ध्यान था ना उधर ध्यान, अभी क्या करो जो ट्रेनिंग बताया पहले आधे घंटे में मैंने खत्म कर दिया है क्या पोजिशनल, यही वीडियो वापिस प्ले करो, समझ लो आधा घंटा पहले देख लो प्रॉपरली मैं क्या बोल रहा हूँ, पोजिशनल का नोट्स भी दिया है, और फिर बाद में बाटा इंडिया का कैलकुलेशन करो, एंड डेट लेने से पहले जो कैंडल का एंड डेट ले रहे हो उस पर कर्सर रख के स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं ओके बोलूंगा एंड डेट लो, और फिर बाद में डिसेसिव कैंडल सर ये है डिसेसिव कैंडल मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने ओके बोल दिया, उसको यूज करो सर जी, आ जाएगा आपको ठीक है सर जी। हाँ सर, हाँ ये कॉलम में दो नीचे दो कॉलम बताए वो उसका कोई यूज है सर का? कौन सा नीचे के दो कॉलम? टेक एंट्री बुक टू और दूसरा है ना वेंट टू ट्रेल एसएल, वेंट टू ट्रेल एसएल की जरूरत नहीं सर, मतलब अभी ज्यादा देखो इसकी इसकी जरूरत अभी नहीं है आपको, ओके लाइव मार्केट पे जब भी ट्रेडिंग लगाओगे तब उसकी जरूरत रहेगी, अभी उसमें मत जाओ कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट कंफर्मेशन पॉइंट है और टेक एंट्री मतलब का अर्थ मतलब ही क्या है, टेक एंट्री अप टू मतलब 61 से लेके 63, तो उसका यूज तो मैंने बताया ना कि ट्रिगर प्राइस में ये जाएगा और प्राइस में ये जाएगा बराबर, और वेन टू ट्रेल का मतलब क्या है कि स्टॉप लॉस तभी ट्रेल कर रहे हैं, ओके तो मतलब 757 जो स्टॉप लॉस है वो आपको अगर लगाना है आपने ऑफसेट किया, तो लोग क्या करते हैं जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ तुरंत अगले 10 सेकंड में तुरंत ऑफसेट करके स्टॉप लॉस लगा देते, कुछ मतलब मार्केट को टाइम भी नहीं देते कि मार्केट संभले थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज में आया है, तो क्या है आपका स्टॉप लॉस अभी नया 757 आया है ना तुरंत मत लगाओ, ओके इसको अपफेस करो, और इसका वेन टू ट्रेल एसएल क्या है 765, तो जब तक 765 नहीं जाता है ना मार्केट तब तक ये 757 नहीं लग, ओके तो मार्केट तो 765 के आसपास, देखो इधर क्या है T3 क्या है आपका, T3 बोल रहा हूँ, वेन टू ट्रेल एसएल क्या है मूव टू नेक्स्ट पे 764, मतलब इसके आसपास ही तभी मार्केट चलता है, मतलब 763, 64, 64.5 चल रहा होगा तभी मार्केट, तभी आप ट्रेल करोगे ना, तो लेकिन तुरंत मत लगाओ उसको, 65 जो है ना वो एक बार उसको क्रॉस करने दो, जैसे ही 65 चला अभी 63 चल रहा था स्टॉप लॉस आ गया 57, रुको और जैसे ही 65 दिखेगा आपको फिर आप ये स्टॉप लॉस लगा दो, मतलब क्या मार्केट को थोड़ा वो सुरक्षित अंतर ठेवा बोलते हैं मराठी में बराबर, तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वो वेन टू ट्रेल दिया है, लेकिन 757 के ये कैलकुलेशन के लिए ये नहीं है, ये वेन टू ट्रेल कौन से कैलकुलेशन के लिए, इसके पिछले वाले फेज के लिए, ओके
तो इसका यूज कभी इसके अभी 757 लगाना है तो एक फेज अप करके देखना पड़ेगा वेंटिलेशन, तो वो कंफ्यूजन मुझे नहीं डालना था, लेकिन अभी मैंने बता दिया वो कॉन्सेप्ट का, तो उसका नौबत नहीं आता है, मतलब 20 बार 10-15 उसमें से कभी एक दिन वो प्रॉब्लम आएगा बराबर, तो मैं क्या बोलता हूँ वो एक दिन स्टॉप लॉस जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ना चाहिए। जब आप एक्सपर्ट बनते जाओगे ना अपने आप आपको मैं वो कंसेप्ट, जिस दिन ऐसा आपके साथ होगा उस दिन आप मुझे पूछोगे, पूछोगे तो मैं बोलूंगा सर देखो इससे आपको बचना है क्या, तो देखो इनपुट रिलेशन पॉइंट पहले जाने, तो अपने आप आपको समझ में आएगा ना। लेकिन जो 20 दिन में 10 दिन में एक बार होने वाला सिचुएशन है वो पहले दिन आपको कंफ्यूज करके क्या फायदा, तो नॉलेज तो इतना पड़ा है कि जितना बोलूंगा उतना कम है जी सर, लेकिन नेसेसरी एंड सफिशिएंट मैंने जो स्टेटमेंट में बताया था उतना आपको अगर कमाना है तो पहले दो सेशन में जितना बोला है ना मैंने उतना ही करना है आपको, ना आपको करेक्शन करना है ना कुछ करना जी, पहले उतना करो, बाद में ये सब चीजें अंडरस्टैंड करोगे ना सर तो जो स्टॉप लॉस आपको गए हुए दिखते हैं ना, कल जैसे कोई सर पूछ रहे थे स्टॉप लॉस के जाएगा फिर क्या करेंगे ऐसा वैसे, अरे वो भी नहीं जाएंगे आपके स्टॉप, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ओके जी सर, जी सर हाँ ऐसा हो जाएगा स्टॉप लॉस ही नहीं जाएगा कभी, लेकिन वो पेशेंस डेवलप करने में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगेगा जी सर। सर अभी कल के लिए हम ए एम ऑर्डर लगा सकते हैं ना, अभी इंट्राडे के लिए थोड़ी लगाने ए एम, रोज रोज वही चीज है वही चीज है सर, क्या बोलूं मैं अभी आपको, 9:30 को ऑर्डर लगाना है बताया इतना लिख के दिया सब है। ओके सर कंफ्यूज हो गया कंफ्यूज, अरे सर आप 2 दिन से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिस दिन मैंने ऑर्डर लगाने का बताया ना उस दिन भी आपने पूछा था, तभी भी मैंने बोला, कल भी वो बात आई, कल भी मैंने किया पोजिशन, आप प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो ही एएमओ लगाने आप, वो भी प्रॉफिट बुकिंग का ओके, बाकी अदरवाइज ना एंट्री ना स्टॉप लॉस कोई भी ऑर्डर एएमओ नहीं लगाने, एएमओ लगाओगे ना पहले 15 मिनट में ही बाय सेल दोनों हिट हो जाएगा, आप लॉस लेके बैठो, लगाने तो लगा के क्योंकि पहले 15 मिनट में तो लोग 9:30 बजे के बाद ही लगाने का है, हाँ लगाने के बाद ही लगाने का है, और किसी को लगा नहीं है तो 2 मत लगाओ, जैसे अभी सचिन सर बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं कि उनकी नीड है वो, मतलब वो सुबह अवेलेबल नहीं रह सकते 9:30 बजे, इसके लिए वो बार बार पूछ रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं उस, हाँ सर हमारा काम रहता है उसके लिए भी सर, हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सोल्यूशन है लेकिन आप अभी उसमें मत जाओ क्योंकि आप वो सहन नहीं कर पाओगे उसके एडवर्स पे ओके, तो जैसे अभी आपको एएमओ लगाना है आपका स्विंग क्या आया है हाई, स्विंग हाई आया है मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड, तो सेल का ऑर्डर लगाओ ना, खाली सेल का ऑर्डर है एएमओ लगाओ, बाय का मतलब तो कल मुझे सेल भी मिल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय का मतलब ओके, बाय का मतलब स्टॉप लॉस जो लगाना है ना वो आप या बाय का ऑर्डर अगेंस्ट द ट्रेंड का ऑर्डर ये आप 9:30 बजे के बाद में आपको लगा, और ट्रेंड के डायरेक्शन में ऑर्डर वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि भाई वो डायरेक्शन में कल मार्केट खुलेगा या उधर ही भागेगा, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, तो आप वो डायरेक्शन का खाली एक ट्रेड लगाओ, स्विंग लो है तो सिर्फ बाय का ट्रेड एएमओ लगाओ और स्विंग हाई है तो सिर्फ सेल का ट्रेड एएमओ लगाओ, और जो रिवर्सल पॉइंट है स्टॉप लॉस वो 9:30 के बाद में लगाओ ठीक है आपके लिए इतना में। लेकिन अभी आप ही बताओ सर मुझे ये चीज ये ट्रेनिंग में बताना सही है कि गलत है, आप ही बताओ सही है, सही कैसे है सर ये आपको समझ में आ रहा है, जो बंदा नया है जिसके दिमाग में था ही नहीं, हर एक को क्या चाहिए कंफर्ट जोन चाहिए, तो वो कंफर्ट में जाने का सोचेगा वो गलती कर बैठेगा, हाँ वही हो फिर ऐसा ऐसा, हाँ समझो मॉर्निंग में मार्केट ने आपका सेल ले लिया और वहां से एकदम से मार्केट ऊपर ही चला गया, आपका सेल तो लेगा ही, सामने से बंदा उठाएगा ट्रेड आपका और वहां से एकदम ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस के भी ऊपर 10 रुपया चला गया, तो ये रिस्क तो फिर आपको लेना पड़ेगा ना, ऐसा दिन आएगा कभी फिर वो उतना उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा तो एक हर दिन उसका एडवर्स इफेक्ट भी होगा, इसीलिए मैं बोला ना कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव मत देखो निगेटिव देखो, और फिर जो बंदा नया है काम कर रहा है पहले दिन ऐसा देख लेगा वो बाकी सब भूल जाएगा, काम करना ही छोड़ देगा बराबर, पैनिक में आ जाएगा फिर, तो हम 12 साल से ट्रेनिंग ले रहे हमें मालूम है कितना बताना है कितना नहीं बताना, सबको साथ में लेके चलना होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता ही है कि गुड फॉलोअर बनने के लिए कोई रेडी नहीं होता है, सबको आगे दौड़ने आगे जाने,
ओके, उसमें आपको ही तकलीफ तकलीफ होगी, बाकी कुछ नहीं है। आगे आगे जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा किधर क्या गड्ढा है, आप गिरोगे। इससे अच्छा हमारे पीछे चलोगे तो बेटर रहे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही पे 2012 से यही पे। ओके, ना मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत पड़े ना कुछ, और ना ऑफिस। दादर में हम ऐसे ही है के जो 2012 से एक ही जगह पे सेमिनार और ट्रेनिंग ले रहे, और हमारे बाद कितने लोग आए, 2-3 साल रहे, लोगों ने भगा भी दिया। कुछ लोग आए अकाउंट ओपन करो मैं करता हूँ, उनको तो मार मार के भगा दिया लोगों ने। लेकिन हमारा नासिक में भी वही ऑफिस है, जहाँ पे रहते वही भी ऑफिस है, और दादर में भी वही है। क्यों? क्योंकि जो है वो हम बोलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते ही नहीं है भाई, वो समझने का मीन्स समझ लोगों को समझने का है। हाँ, तो ये पर्सनल लेवल पे जाके मैं आपको ट्रेन करूंगा ना, बराबर। इधर देखो, सब पर्सनल ट्रेनिंग लेना और सबको, जैसे योगा में आप जाते हो तो कोई बंदा अगर 400 लोगों को योगा सिखा रहा है तो सडनली वो एकदम ऐसा आसन करके बताएगा, चक्रासन वक्रासन जो भी है, तो सबको थोड़ी आएगा वो। तो वो ऐसे ही आसन बता दे जो सबको आएगा, सब लोग दूसरे दिन भी आएंगे ना। अभी तो मैंने पूरा ही बता दिया, अभी कुछ रहा ही नहीं। एक आध दो कंसेप्ट और रहेगा टूल में कि वोलेटिलिटी वगैरह, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन कभी वो टूल मैनेज कर। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर, ओके ओके सर, गुड नाइट, सी यू टुमारो सर। ये लेने का फाइंडर वो आज ले लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज सबने कर ही लो, मतलब एटलीस्ट एक दिन तो भी मैं चाहता हूँ आप गो थ्रू करो सिस्टम को। ओके, वो ट्रेड फाइंडर आपके हाथ के नीचे से जाने दो, थोड़ा सा यूज करो, और फिर एक सेशन तो भी ऐसा लो कि आपने भी काम किया है और मैं भी इधर काम कर रहा हूँ, तो उसमें आपका भी काम नहीं बढ़ेगा और मेरा भी नहीं बढ़ेगा, जल्दी सीखोगे। ठीक है, और डिसीजन टाइम पे जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन मेकिंग पे ही पूरा शेयर मार्केट का गेन या लॉस है। ओके, तो डिसीजन लेना आपके हाथ में। देखो अभी, ओके सर, ऑलरेडी आई हैव टेकन दैट दिस वन सर मेंबरशिप। या यू हैव टेकन इट, प्रैक्टिस इट। हां, यस, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग इट, आई वांट इट। यू वेयर एवर यू गेट स्टक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, send me the screenshot of the relative tool screenshot or candle screenshot. Okay, I will be so connected. आपका वो customer support का कोई number कुछ रहेगा तो हाँ, वो मैं कल का session हो जाने दो, फिर मैं आपको number दे दूँगा। Okay, okay sir. कल ही दे दूँगा मैं। ठीक है sir. Okay, thank you. Today's session was very nice and very much informative. Thank you. You have done it very well. So much. Thank you very much. You are thank you sir, very good night sir. Okay, just follow the positional tool, Sandesh sir. Follow the positional tool for any stock you would like to do trade and go for option. Okay, I have already given you some calls also, since we when we are practicing at the same time, you have already experienced the how positional tool works. Okay, yes, right, so use absolutely it and go with it. Okay, yeah, right, yeah, sure. Only condition is that follow the system, follow this stop loss, and keep your 100% belief on trade finder, then only you can earn drastically. Okay, okay, fine, thank you. Yes, okay, good night. Okay, good.